डिफरेंट टेक्निक्स देखते हैं, उनके बेनिफिट्स देखेंगे एंड इश्यूज भी देखेंगे। इन टेक्निक्स के साथ क्या इशू है इन सबको एक बार में पढ़ने की कोशिश करते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। फील्ड जीन बैंक लेकर आया गया था, ये बेसिकली ट्रेडिशनल प्रिजर्वेशन स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड था जहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन किया जा रहा था। इससे क्या होगा, इसका जो मेजर फॉलआउट आ रहा है एक्युमुलेशन ऑफ म्यूटेंट्स एंड एंडोफिटिक ऑर्गेनिज्म, क्योंकि एक्सपोज वेदर कंडीशंस की वजह से जो सीड है वो ख़राब हो रहा है एंड पैथोजन इंसेक्ट्स अटैक कर रहे हैं, प्लांट एजिंग कर रहा है एंड हैंडलिंग एरर्स की वजह से भी इशू आ रहा है। इन विट्रो जीन बैंक भी है जहाँ पर जीन को एलिमिनेट करने की बात की जा रही है। इमीडिएट एसेसिबिलिटी चाहिए हमें, लो स्पेस है ये, प्रिसाइज इन्वायरमेंट मॉड्यूलेशन है और इसका जो मिनिमम स्टोरेज है 2 साल से ज़्यादा का होता है। यहाँ पर भी वही सेम इशूज़ हैं, इंसेक्टिसाइड्स इशूज़ हैं, प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, क्लोनल वेरिएशन आते हैं, हैंडलिंग एरर्स, प्लांट एजिंग, कंटेमिनेशन भी यहाँ पर हो रहा है। नेक्स्ट इज क्रायो बैंक। क्रायो बैंक यहाँ पर इसको चाहिए होता है मिनिमम स्पेस रिक्वायरमेंट्स, लो कॉस्ट है, हाई जेनेटिक स्टेबिलिटी है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज है जिसका 100 साल से ज़्यादा आप स्टोर कर सकते हो। बट इसकी जो रिस्ट्रिक्टेड अवेलेबिलिटी है, एक्सेसिबिलिटी है, एक्सेस टू लिक्विड नाइट्रोजन, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल डेवलपमेंट, इनिशियल वर्कलोड टू क्रायो प्रिजर्व क्लोनल प्लांट्स, ये भी यहाँ पर इशूज आ रहे हैं। नेक्स्ट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, BBNJ, ये नया आया है जो कि मीट्स ओवर ट्रीटी टू गवर्न यूज ऑफ हाई सीज। तो ये बायोडाइवर्सिटी के बारे में तो आप UPSC सीधा पूछेगा इट इज़ रिलेटेड टू विच पर्टिकुलर थिंग, तो आपको ध्यान में रखना है इट इज़ रिलेटेड टू ट्रीटी ऑफ हाई सीज, कि आपको देखना है कि जो मैरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है जो कि हमारे नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन से बाहर आती है, दैट इज़ हाई सी, जैसे UN क्लोज होता है दैट इज़ फॉर द गवर्नेंस ऑफ सीज, तो उसी तरीके से हमारी जो मैरीन लाइफ है उसको प्रिजर्व करने के लिए ये कन्वेंशन लेकर आया गया है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ 1982 UN क्लोज। एंड जो एरियाज़ होते हैं बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिस्डिक्शन, यहाँ पर 95% ओशंस आते हैं जो कि इकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, फूड सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं। UN क्लोज एक तरह से यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन है जिसका इंडिया स्टेट है एंड ये वर्ल्ड ओशन को गवर्न करता है। दूसरे इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से आते हैं इसके अंदर, 1994 एग्रीमेंट ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पार्ट 9th ऑफ UN क्लोज एंड 1995 UN फिश स्टॉक्स एग्रीमेंट। तो यहाँ पर डिफिनेशन दिया गया है कि ये UN क्लोज कैसे वाटर को डिफाइन करता है, ये बेसलाइन से मेजर करता है कि फर्स्ट जो 12 किलोमीटर तक होता है वो टेरेस्ट्रियल एरिया आता है, उसके बाद कंटेजियस जोन आती है 24 नॉटिकल माइल्स तक, देन उसके बाद एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आती है 200 नॉटिकल माइल्स तक, एंड जो आपकी टेरेस्ट्रियल सी की बॉर्डर लाइन है एंड कंटेजियस जोन की बॉर्डर लाइन है वहाँ से एंड तक आता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दिस इज़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इसके बाद ये कॉन्टिनेंटल स्लोप होना शुरू हो जाता है और यहाँ से हाई सीज आने शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस दी गई है, यू मस्ट हैव रेड इन ज्योग्राफी, ऑल्सो नहीं पढ़ा तो पढ़ सकते हो। साइट्स के बारे में देखते हैं जहाँ पर ये बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना। साइट्स के अपेंडिक्स देखते हैं, 3 इसके अपेंडिक्स हैं, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। यहाँ पर पहला आता है जो स्पीशीज सबसे ज़्यादा थ्रेटेंड है एक्सटेंशन से, सेकेंड में आता है जो कि अभी थ्रेटेंड नहीं है बट फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है, तो अगर उनको कंट्रोल कर लिया जाए तो वो उनको बचा सकते हैं। थर्ड में आता है जो कि प्रोटेक्टेड इन एटलीस्ट वन कंट्री में प्रोटेक्टेड है, लेकिन साइट्स ने दूसरी जो पार्टीज हैं उनको भी बोला है कि आप इन पर्टिकुलर स्पीशीज में ट्रेड करना कम कर दीजिए। तो यहाँ पर COP 19 हुई है, कहाँ हुई है, पनामा में। पनामा कहाँ पर है, ये है मेक्सिको में। आउटकम्स देखते हैं कॉन्फ्रेंस के, वही है कि आपको कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज जैसे कि शार्क्स, रेज, ट्रीज एंड फिमिन टर्टल, टॉर्टेज एंड इन सबको साइट्स प्रोटेक्शन में लाया गया है, इनको प्रिजर्व करना है। यहाँ पर सी ककंगर्स को भी लाया गया है, सेकेंड अपेंडिक्स में डाल दिया गया है। दूसरे इंडिया के जो इनिशिएटिव है वो है टू प्रपोज क्लैरिफाई द क्वांटिटी ऑफ डेलबर्जिया सिसो आइटम सच एज फर्नीचर, यहाँ पर उसको भी इंक्लूड करने की बात की है। रेजोल्यूशन डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं ऑन टर्टल्स, टॉर्टोइज़ेस एंड यहाँ पर जो इंडिया का प्रोग्राम था इंडिया ऑपरेशन टर्टल शील्ड, ये भी सक्सेसफुल हुआ है। शीशम के बारे में देखते हैं, एक तरह से शीशम जो कि ट्रीज जिसका फर्नीचर बनता है बेसिकली हम उसकी बात कर रहे हैं, इसकी जो हाइट होती है दैट इज़ 25 to 30 meters, डेसीजियस ट्रीज है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, ईरान में भी पाया जाता है। अपेंडिक्स सेकंड में इसको डाल दिया गया है। इंडियन रोजवुड या शीशम एक तरह से डार्क रेडिश टेबल्स बनाता है, बेड्स बनाता है, बुकशेल्व्स बनाता है, चेयर्स बनाता है एंड ये पंजाब का स्टेट ट्री भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
यहाँ पर प्रपोजल जो है उसमें ये भी बताया गया है कि हमें आइवरी जो ट्रेड है उसमें भी जो ट्रेड हो रहा है उसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली अपोज़ किया गया है आइवरी ट्रेड को, क्योंकि इंडिया ने फर्स्ट टाइम अब्सटेन किया था वोटिंग करने से, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। इसको बैन किया गया था 1989 में जब सारे अफ्रीकन एलिफेंट्स को अपेंडिक्स वन में डाल दिया गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज ने उसको अपेंडिक्स सेकंड में ट्रांसफ़र कर दिया था, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा था, उनका ट्रेड नहीं चल रहा था। अब इंडियन साइट्स का रिलेशनशिप देख लेते हैं। इंडिया सेकंड एंड थर्ड अपेंडिक्स का यूज़ करता है। इंडिया ने 1976 में इसको रेटिफाई कर दिया था, लिस्टेड 39 टैक्सा इन अपेंडिक्स थर्ड। तो मॉनिटरिंग इलीगल एंड किलिंग ऑफ एलिफेंट्स इंडिया का माइक प्रोग्राम भी था, जहाँ पर इंटरनेशनल पार्टीज भी कोशिश कर रहे थे एंड उन्होंने पार्टिसिपेट किया था टू सेव एलिफेंट्स। काफ़ी सारे एक्ट्स भी हैं इंटरनेशनल ट्रेड जहाँ पर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को बचाने की बात कर रहे हैं, एंड दीज आर द ट्रेड प्रोग्राम्स एंड रेगुलेटरी एक्ट्स दैट आर देयर टू प्रिजर्व एंड कंजर्व द स्पीसीज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। मैनेजमेंट अथॉरिटी कौन है इंडिया में? डायरेक्टर ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पर पांच साइंटिफिक अथॉरिटीज़ भी उन्होंने लेकर आई हैं, जैसे कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर है कोलकाता, बोटानिकल सर्वे का भी सेंट्रल मेराइन फिशरी का है कोचीन में, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट का है देहरादून में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग का है कोयम्बतूर में। साइट्स के बारे में देखते हैं, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है जिसको 1963 में अडॉप्ट किया गया था एट IUCN मीटिंग में 1973 में, लेकिन फोर्स में 1975 में आया था। यह हम इंटरनेशनल ट्रेड को लिमिट करता है ताकि उनका सर्वाइवल खतरे में ना आ सके। UNEP को एडमिनिस्टर करता है, लोकेटेड एट जेनेवा स्विट्जरलैंड। इंडिया इज अ पार्टी ऑफ कोर्स, 184 पार्टीज है, एंड यस इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग बट डज नॉट टेक द प्लेस ऑफ नेशनल लॉज। नेशनल लॉज को रिप्लेस नहीं करता, बट इट इज़ अ लीगल बाइंडिंग ट्रीटी, क्योंकि हर एक पर्टिकुलर कंट्री के अपने अपने डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, एंड जो भी पार्टीज होती हैं दे हैव द राइट टू वोट ऑन ऑल द डिसीजंस, एंड जो स्पीशीज हैं उनको हायर प्रोटेक्शन दिया जाता है अगर वो इन तीनों इंडेक्सेस में आ चुके हैं, अगर वो लिस्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट इज अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2022 आया है, एंड यहाँ पर नए और स्पीशीज़ को ऐड हम कर रहे हैं। देखते हैं कौन कौन से स्पीशीज़ को हमने इसके अंदर ऐड किया है, एंड ये साइट्स कन्वेंशन को भी इम्प्लीमेंट करेगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में देख लेते हैं। स्टेट को एम्पावर करता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया को नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व एंड कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर कर सके। आपको ध्यान रखना है एम्पावर द स्टेट नॉट सेंटर, क्योंकि UPSC ने सीधा एक क्वेश्चन सिंपल से डालना है, एम्पावर द सेंटर टू डिक्लेयर प्रोटेक्टेड एरियाज अंदर फोर कैटेगरीज। नो, इट इज़ नॉट द स्टेट, इट इज़ द सेंटर। यहाँ पे सिक्स शेड्यूल्स को भी बनाया गया है, कौन कौन से हैं? स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लांट्स, देन स्पेशली प्रोटेक्टेड एलिमेंट्स, वमेन स्पीशीज विच गेव वेरिंग डिग्रीज टू प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। अब इंपॉर्टेंट बॉडीज़ देखते हैं इस पर्टिकुलर एक्ट के अंडर जो बनाई गई है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी एंड सेंट्रल जू अथॉरिटी। कुछ अमेंडमेंट्स देखते हैं, नए चैप्टर्स को ऐड किया गया है जहाँ पर मैनेजमेंट अथॉरिटी डाला गया है, एंड ये अथॉरिटी मैनेज एंड डेजिग्नेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि परमिट्स एंड सर्टिफिकेट्स इशू करेंगी। साइंटिफिक अथॉरिटी है, ये भी मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स को रिकमेंडेशंस देगी कि कैसे हमें स्पीशीमेंस को सर्वाइवल, अगर उनका डेंजर है कैसे हमें उनको प्रोटेक्ट करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क भी दिया जाएगा ताकि हम स्पीशीज़ को ईजिली स्पॉट कर सकें। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे बाय द पर्सन पोजेसिंग लाइव स्पेसिमेंस। ब्रीडर्स ऑफ स्पीशीज भी लाया गया है अपेंडिक्स वन ऑफ स्केड्यूल फोर्थ। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस भी डाली गई है, कंडीशन ऑफ एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, री एक्सपोर्ट, इंडक्शन फ्रॉम सी, ये सब भी स्पेसिफाई किया गया है। रैशनलाइजेशन ऑफ स्केड्यूल्स को, नंबर ऑफ स्केड्यूल्स को कम कर दिया गया है, 6 से 4 ला दिया गया है ताकि हम ज़्यादा फोकस के साथ काम कर सके। एंड रिमूविंग द स्केड्यूल फॉर वर्मिन स्पीशीज, जो वर्मिन स्पीशीज़ होते हैं उनको भी यहाँ पर रिमूव कर दिया गया है, क्योंकि वर्मिन स्पीशीज़ जो डिक्लेयर किया जाता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर करता है नोटिफिकेशन के थ्रू एंड कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होता है, लेकिन यहाँ पर न्यू स्केड्यूल डाला गया है फॉर स्पेसिमेंस लिस्टेड इन द अपेंडिसेस अंडर साइट्स, इसका नाम है स्केड्यूल्ड स्पेसिमेंस। तो यहाँ पर बताए गए हैं कौन कौन से 4 स्केड्यूल्स हैं। पहला है एनिमल स्पीशीज विद हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सेकंड वन विद लेसर प्रोटेक्शन, थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड प्लांट स्पीशीज, एंड फोर्थ वन इज स्पेसिमन लिस्टेड अंडर अपेंडिसेस फोर्थ। कंट्रोल ऑफ सेंचुरीज, यहाँ पर चीफ लाइफ वाइल्ड लाइफ वार्डन को बताया गया है, उसका टास्क है मैनेज एंड प्रोटेक्ट सेंचुरीज का करना इन अकॉर्डेंस विद द मैनेजमेंट प्लान्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ध्यान में रखना है वार्डन का काम है ये, एंड जो भी सेंचुरीज शेड्यूल एरियाज में आ रही है
यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट भी इम्प्लीकेबल है, तो जो मैनेजमेंट प्लान है वो ग्राम सभा से कंसर्न आपको परमिशन लेके कंसल्ट कर कर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इंक्रीज इन पेनल्टीज भी बताया गया है, पहले 1 लाख, पहले 25,000 थे, अब 1 लाख कर दिया गया है फॉर जनरल वॉल्यूशन, स्पेसिफिक वॉल्यूशन के लिए 25,000 तक का कर दिया गया है। लाइव एलिफेंट के लिए एग्जम्पशन दिया गया है कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पर्पस के लिए कर सकते हो, लेकिन उसको सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है। न्यू सेक्शन 42A डाला गया है फॉर द सरेंडर ऑफ कैप्टिव एनिमल्स की, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के पास अगर सर्टिफिकेट ऑफ ऑनरशिप कैप्टिव एनिमल्स का, वो सरेंडर कर सकता है उसको लाइफ वार्डन को, लेकिन कोई भी कंपनसेशन पे नहीं किया जाएगा इन सच सरेंडिंग, वो अपनी वॉलंटरीनेस से करेगा क्योंकि वो फिर प्रॉपर्टी बन जाएगी स्टेट गवर्नमेंट की। सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस में रिलैक्सेशन किया है फॉर फिल्म मेकिंग, जहाँ पर फिल्म में भी हमें ज़रूरत होती है एनिमल्स की, लेकिन गिवन द कंडीशन वो उनको इफेक्ट ना करें, एंड कुछ एक्टिविटीज़ जैसे ग्रेजिंग, मूवमेंट ऑफ लाइव स्टॉक या बॉन फायर यूजिंग ड्रिंकिंग इन हाउस होल्ड बाय लोकल कम्युनिटीज़ अलाउड विदाउट अ परमिशन इन अ सेंचुरी, तो यहाँ पर दीज आर अलाउड, लेकिन परमिट की इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरे प्रोविजंस यहाँ पर डाला गया है कि प्रोबेट इंपोर्ट ट्रेड पोजेशन एंड क्लोरिफिकेशन, नो रिन्यूएबल ऑफ एनी आर्म्स, लाइसेंस टू बी ग्रांटेड टू एनी पर्सन रिजाइडिंग विदिन डेंटल, अगर किसी भी नेचुरल एरिया नेशनल पार्क्स के अंदर कोई रह रहा है उसके आसपास के 10 किलोमीटर के एरिया में आपको कोई भी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा ऑफ एनी आर्म्स, स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ परमिटेड टू कंस्टिट्यूट अ स्टैंडिंग कमेटी, यहाँ पर एक स्टैंडिंग कमेटी भी बनाई जाएगी जो कि डिसीजंस की देखरेख करेगी एंड मैनेजमेंट का भी ध्यान रखेगी। चीता री इंट्रोडक्शन, ये देखते हैं 8 वाइल्ड लाइफ अफ्रीकन चीता जिसमें से 5 फीमेल 3 मेल को फ्रॉम नाम्बिया वर रिसेंटली इंट्रोड्यूस इन क्यूनो नेशनल पार्क, कहाँ पर है ये है एमपी में अंडर प्रोजेक्ट चीता इसको लाया गया है। अब हम चीता अफ्रीका से क्यों लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कैन नॉट सोर्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड एसेटिक चीता फ्रॉम ईरान लेस देन 1000 ऑफ रिमेनिंग, क्योंकि वहाँ पर 100 से कम रह चुके हैं इसलिए हम ईरान से नहीं ले रहे, अफ्रीका में बहुत ज़्यादा है इसलिए हम वहाँ से ले रहे हैं, नाम्बिया में हाइएस्ट है। मैक्सिमम ऑब्जर्व जेनेटिक डाइवर्सिटी है साउथ अफ्रीकन चीतन में, तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो पॉपुलेशन स्टॉक है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, एंड जो अफ्रीकन चीताज है वो एंसेस्ट्रल होते हैं टू अदर चीता लीनेजेस, तो एक तरह से ये हमारा शोभा ही बढ़ाएगा। प्रोजेक्ट चीता के बारे में देखते हैं, वर्ल्ड का फर्स्ट इंटरकॉन्टिनेंटल लार्ज कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। पहले भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है किसी पर्टिकुलर एनिमल के ऊपर जिसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया था, तो क्वेश्चन ये था कि वो कौन से नेशनल पार्क में रीइंट्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर चीता हुआ है, ये हुआ है क्यूनो नेशनल पार्क में, एंड रिसेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम के अंदर आता है अंडर प्रोजेक्ट टाइगर, फंड्स मिलते हैं प्रोजेक्ट टाइगर एंड कंपनसेटरी ए फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी से हमें फंड्स यहाँ पर लाए जाते हैं। एम यही है कि हमें चीता को इंट्रोड्यूस करना है ताकि उसकी एक्सटेंशन हम रोक सकें, दीज आर द रीजंस ऑफ एक्सटेंशन। नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी इन सब की देख रेख करता है, वाइल्ड लाइफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एक्सपर्टीज या टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो जो हमारा प्लान है वो ये है कि हमें 50 चीताज को लेकर आना है एंड 12 और चीता भी आएंगे अफ्रीका से। जो चीता का नाम है ये आया है संस्कृत वर्ड से जिसका मतलब होता है द स्पोर्ट्स वन, क्योंकि चीता के ऊपर स्पोर्ट्स बने होते हैं, एंड केव पेंटिंग्स डेटिंग बैक टू द न्यूलिथिक एज डिपिक्ट्स द चीता इन गुजरात एंड एमपी। तो हमारे जो केव्स हैं, अगर हम न्यूलिथिक एज की बात करें, हमारे पास 3 एज हैं अगर आपने पढ़ा हो, अगर हम प्री हिस्टोरिक इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो कौन कौन सी 3 एजेस आती हैं, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक एंड वट विच इज द 3rd वन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। सिग्निफिकेंस ऑफ चीता रिलोकेशन, ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा, ग्लोबल कंजर्वेटिव एक्शन में भी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी एंड क्लाइमेट मिटिगेशन गोल में भी हेल्प करेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं अफ्रीका चीता और एशियाटिक चीता में। पहले तो पिक्चर से देख लो क्या फ़र्क दिख रहा है आपको, IUCN स्टेटस अफ्रीका वाले का वल्नरेबल है, एशियाटिक वाले का क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। वनरेबल है अपेंडिक्स वन में, दोनों ही अपेंडिक्स वन में है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं अफ्रीका में कहाँ कहाँ है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ईस्ट अफ्रीका में एंड सदर्न अफ्रीका में है, आप मतलब अफ्रीका के तीनों नीचे वाले पार्ट में, नॉर्थ में नहीं है, ओनली फ्यू लेफ्ट इन ईरान, सिर्फ ईरान में ही है। फिजिकल फीचर्स की बात करें, जो अफ्रीका वाला चीता है उसका साइज़ बड़ा होता है एंड इसका जो बिल्ड है वो भी बिगर होता है, जो नेक्स एंड लेग्स है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन ये अपोजिट है इन केस ऑफ एशियाटिक चीता जो कि स्मॉलर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, नेक भी स्मॉल होती है, स्लेंडर होती है और लेग्स भी स्लेंडर होती है। फूड इनटेक डाइवर्स डाइट रहती है, लेकिन यहाँ पर इनके पास लिमिटेड डाइट रहती है क्योंकि ज़्यादा प्रे नहीं मिलता यहाँ पर।
अब कुछ फीचर्स देखते हैं चीता के बारे में। एक तो वर्ल्ड्स फास्टेस्ट मैमल है, कैपेबल ऑफ रनिंग 80 to 128 किलोमीटर पर आवर, डायरिनियल होते हैं ड्यूरिंग द डे, हंट करते हैं अनलाइक बिग कैट्स लायन, दे डोंट रोर। जेस्टेशन पीरियड होता है इसका 93 डेज। ये 3 मेन सोशल ग्रुप्स में रहते हैं, फीमेल, देयर कब्स, मेल कोलिशन एंड सॉलिटरी मेल्स। फीमेल लीड्स टू नोमैडिक लाइफ, जो कि काम करती है अपना शिकार ढूंढने के लिए, एंड मेल होते हैं वो सिडेटरी होते हैं, वो बस जो जो फीमेल लेकर आती है। यहाँ पर बेसिकली मैट्रियार्कल सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर जो फीमेल है वही बाहर से खाना लेकर आ रही है। शी इज़ द मेजर लाइवलीहुड प्रोवाइडर, शी इज़ द फूड सिक्योरिटी ऑफ द फैमिली। तो आप देख सकते हैं कि एनिमल्स में भी ये चीज़ें होती हैं, वहाँ पर मैट्रियार्कल सोसाइटी है और हमारे यहाँ पर अभी भी पैट्रियार्कल सोसाइटी है। जो एवरेज फीमेल होम रेंज करता है वो एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 50 स्क्वायर किलोमीटर। अमंग लार्ज कार्निवर्स, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं ऑब्वियसली, जिसकी वजह से डेथ्स होती है चीता की, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बिटवीन ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर सॉफ्ट रिलीज हुआ है, जो कि क्वारंटाइन पीरियड में चीता को प्लेस्ड किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फेंस्ड, एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक वायर उनके अराउंड लगाई दी जाती है एरिया के अराउंड, ताकि चीता बाहर ना जा सकें, और उनको वैक्सीन भी किया जाता है एंड ऑल्सो वहाँ पर सैटेलाइट रेडियो कॉलर्स भी लगाए जाते हैं ताकि उनको मॉनिटर हर वक्त किया जाए। इंट्रोडक्शन प्लान भी लेकर आया गया था यहाँ पर, अवेयरनेस लेकर आए हैं। चीता मित्रास एक तरह से टीम बनाई गई थी वॉलंटरीज की, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, जो कि अवेयरनेस दे विलेजर्स के अमंग्स कि कैसे आपको चीता को प्रोटेक्ट करना है, एंड एक लोकल मैस्कट भी नाम दिया गया था चिंटू चीता, ताकि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको सेंसिटाइज किया जाए। चीता टास्क फोर्स भी यहाँ पर लेके गई थी एंड काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स यहाँ पर किए, जो कि रेगुलेट कर रहे हैं एंड एडवाइजरी एक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जो मेन इंपॉर्टेंट है दैट इज़ अबाउट कूनो नेशनल पार्क, ये आता है आपका एमपी के अंदर, एंड एमपी इज़ द सेंट्रल इंडिया में आता है ये। यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट ऑफ मध्य प्रदेश कौन कौन से बॉर्डर्स को टच करता है, इट इज़ टचिंग विद्यांचल हिल्स ऑफ राजस्थान, एंड अगर हम इसके सदर्न ईस्टर्न साइड की बात करें तो वहाँ पर लैंडस्केप आता है ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व थ्रू द शिवपुरी फॉरेस्ट एरिया। नंथन टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पर, नेशनल पार्क एंड कला देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहाँ पर पार्ट हैं, एंड ये दोनों ही पार्ट हैं रणथंभौर टाइगर रिजर्व का। तो एक तरह से ये कनेक्टेड है थ्रू आ फॉरेस्ट पैचेस, जहाँ पर नदर वेस्टर्न बाउंड्री से रिवर चंबा के अक्रॉस पास किया जाता है। ये इकलौती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है क्यूरो नेशनल पार्क, जिसमें पूरा जो वॉलंटरी रिलोकेशन हो चुका है विलेजर्स का इनसाइड द पार्क यहाँ पर बताया जा रहा है, जहाँ पर जो वॉलंटरी रिलोकेशन है विलेजेस का वो हटा दिया गया है, ताकि लोगों ने खुद ही अपने आप से यहाँ से बाहर निकल गए हैं ताकि वो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। और जो यहाँ के रिवर है दैट इज़ कूनो रिवर, एंड फॉरेस्ट है दैट इज़ ड्राई डेसीडियस। ट्रीज कौन कौन से हैं, कढ़ाई, शलाई, खेर, हर्बीवोर्स। कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, सांबा, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिनकारा, चोसिंगा, ब्लैकबक। कार्निवोर कौन कौन से हैं, लेपर्ड, स्लोथ बियर, शिफ्ट हाइना, ग्रे वुल्फ, गोल्डन जैकल एंड इंडियन फॉक्स। प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में देखते हैं, जो ये 50 ईयर्स कंप्लीट करेगा 2023 में। ये अचीवमेंट्स है जहाँ पर बताई गई है हमने कितने टाइगर्स को पॉपुलेशन को बढ़ाया है, 1411 हमारे 2006 में थे, अब 2967 हो गए हैं 2018 में। 10-2 टारगेट भी अचीव हमने किए गए पिछले 4 सालों में, इतनी तेज़ी से हम अवार्ड भी जीत रहे हैं। 14 टाइगर रिजर्व्स को अवार्ड किया है, जहाँ पर CATS एक्रेडिटेशन भी सर्टिफिकेट दिया गया है। अब 2x2 है क्या, एक तरह से ग्लोबल गोल है, जहाँ पर हमने क्या करना है वाइल्ड टाइगर्स की पॉपुलेशन को डबल करना है बाय 2022। ये 2010 में अडॉप्ट किया गया था। कंजर्वेशन अशोर्ड फन टाइगर स्टेटस, ये एक तरह से ये भी ग्लोबली एक्सेप्टेड कंजर्वेशन सेट्स है, जहाँ पर हम टाइगर को मैनेज और प्रिजर्व करने की बात करते हैं। अभी इंडिया में 9 टाइगर रिजर्व्स हैं, एंड ये प्रोजेक्ट टाइगर सेंट्रल फंड स्कीम है दैट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा असिस्टेंस दिया जाता है, एंड नेशनल टाइगर कंजर्वेटरी अथॉरिटी इज़ इट्स स्टैट्यूटरी बॉडी, एंड सुपरविजन कोऑर्डिनेशन कंट्रोल है वो अप्रूव करता है टाइगर कंजर्वेशन प्लान को, जो कि स्टेट गवर्नमेंट बनाते हैं। इसका जो फंडिंग पैटर्न है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस 60-50 के रेशो में दिया जाता है, एंड 50% जो एक्सपेंडिचर है वो जाता है नॉन एकरिंग आइटम्स के ऊपर, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। यू शुड जस्ट नो कि जो स्पेशल स्टेट्स होते हैं जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न या हिमालयन स्टेट्स, उनको सेंटर 90% असिस्टेंस देता है, अदरवाइज वो 60-40 की रेशो है, जिसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। 60% सेंटर का शेयर एंड 40% स्टेट्स का शेयर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेटेड टाइगर हैबिटेट कंजर्वेशन प्रोग्राम, जर्मन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इसको बनाया है, जहाँ पर 47.5 मिलियन पाउंड्स का
कंट्रीब्यूशन किया गया है। 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। एक तरह से ये सिर्फ ग्रांट और फाइनेंशियल असिस्टेंस ही प्रोवाइड करता है। एंड यहाँ पर 12 स्केल प्रोजेक्ट्स है टाइगर कंजर्वेशन रिजर्व्स में। एंड विच आर द कंट्रीज आर कवर, दीज आर बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, इंडोनेशिया, नेपाल एंड म्यांमार। प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर इनिशिएटिव्स कौन से लिए गए हैं? इस्टेब्लिशमेंट डेवलपमेंट ऑफ न्यू टाइगर रिजर्व, जहाँ पर 52 रिजर्व्स को कवर करने की बात की जा रही है। एंड रानीपुर जो टाइगर रिजर्व है ये 53rd टाइगर रिजर्व बना है। एंड रामगढ़ विषधरी 52nd था। दूसरे टाइगर रिजर्व कौन कौन से है? सोनाभेदा, ये है आपका ओडिशा में। माले महादेश्वरा हिल्स, ये आपका कर्नाटका में। गुरु घसीदास नेशनल पार्क एंड तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका छत्तीसगढ़ में। कोर बफर स्ट्रैटेजी देखते हैं। यहाँ पर जो कोर एरियाज़ होते हैं, आपको पता होगा अगर हमारा जो नेशनल पार्क होते हैं दो तीन एरियाज़ में होते हैं डिवाइडेड कोर एरिया, एंड दैट वन थर्ड वन इज़ द ट्रांजिटरी जोन जहाँ पर ह्यूमंस और एनिमल्स आ सकते हैं, बट कोर एरिया में ओनली एनिमल्स आर अलाउड, नो ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अलाउड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। तो NTCA ने बैन कर दिया है कोई भी कोर एरिया में डेवलपमेंट करने से। अभी यहाँ पर 5th साइकिल ऑफ असेसमेंट हो रही है यूजिंग M-STRIPES। UPSC ने सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन ये वाला पूछा था M-STRIPES के बारे में। ये बेसिकली एक तरह से मॉनिटरिंग टूल है, यूज ऑफ GPS, ताकि हम जो टाइगर है उनको काउंट कर सकें। तो बेसिकली टाइगर के लिए है। मैनेजमेंट इफेक्टिव वैल्यूएशन भी फ्रेमवर्क लाया गया है। स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स भी डेवलप किया है ताकि हम एंटी पोचिंग एक्टिविटीज़ को रोक सकें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बात करें तो ई बर्ड प्रोजेक्ट आया है जो कि UAV का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखते हैं इंडियन टाइगर और बंगाल टाइगर, जिसको आप पैंथरा टाइग्रस भी बोलते हैं, इसका जो वल्नरेबल स्टेटस है दैट इज एंडेंजर्ड, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में आ रहा है, वाइल्ड प्रोटेक्शन 1 के शेड्यूल 1 और 4 में ये आता है। जो टाइगर्स हैं ये नेटिव हैं इंडिया में, एक तरह से ये नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया का भी है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन इंडिया में ही है, लेकिन बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार में भी पाया जाता है। इंडिया होम टू मोर देन 70% ऑफ टाइगर रिजर्व पॉपुलेशन। नियरली जो 35% ऑफ पॉपुलेशन है वो टाइगर रिजर्व से बाहर है। तो यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कौन कौन से एरिया में, मोस्ट डाइडिशियस ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, एवरग्रीन, शोला फॉरेस्ट, मैंग्रोव स्वैम्प्स, हाई माउंटेन्स, तो ये सब जगह आपको मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर्स हैं, उसके बाद कर्नाटका और उत्तराखंड में आते हैं। तो एक तरह से कीस्टोन स्पीसीज भी हैं एंड दीज आर रिलेटिवली इन अबंडेंस। अब देखते हैं कौन कौन से अभी जो टाइगर रिजर्व को डिक्लेयर किया है नया ताज़ा। रामगढ़ विश्वधारी टाइगर रिजर्व ये नोटिफाई किया गया है टाइगर रिजर्व। 4 टाइगर रिजर्व है राजस्थान का, आफ्टर रणथंभौर, सरिस्का एंड मुकंदरा, एंड 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का। ज्योग्राफिकल लोकेशन देखते हैं, ये आता है भीलवाड़ा एंड कोटा डिस्ट्रिक्ट में, एंड एक टाइगर कॉरिडोर का काम करता है बिटवीन रणथंभौर टाइगर रिजर्व एंड मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। जो टोपोग्राफी है वो भी वेरी करती है फ्रॉम स्टीप्स टू स्टोपी, एंड ये आता है फ्रॉम द हिल्स ऑफ विद्यांचल टू द कॉनिकल हिलॉक्स एंड शार्प एजेस ऑफ रावली रिवर। देखते हैं मेज आती है, ये एक तरह से ट्रिब्यूटी चंबल रिवर की। ड्रेस डेसिडियस फॉरेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। दूसरा फ्लोरा फोना कौन सा मिल रहा है? गोल्डन जैकल, इंडियन वॉल्फ, लेपर्ड, सिठाइना, चिंकारा, एंटीलोप एंड चितकल। रानीपुर टाइगर रिजर्व है आपका, कहाँ पर है ये? ये स्टेट्स का 4th है। कौन सी स्टेट का 4th टाइगर रिजर्व है? ये आता है चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट का, यूपी का। तो यहाँ पर ये 53rd टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ड्राई डेसिडियस, दूसरा अदर फ्लोरा एंड फोना फाउंड दिस रीजन। नेक्स्ट इज अबाउट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। सुप्रीम कोर्ट ने अपडेट किया है उन पावर केबल्स एट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैबिटेट, कहा है कि पावर केबल इज हार्मिंग दिस पर्टिकुलर एनिमल बर्ड। इसका वनरेबल देखते हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है, सो इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का शेड्यूल 1 शेड्यूल 4 में, एंड इट इज़ वन ऑफ द 22 सेकेंड स्पीशीज अंडर स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम। क्योंकि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है तो इनको रिकवर करना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। तो ये कहा गया है कि ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये तारों में उलझ जाते हैं, इनकी वजह से इनको शॉक लग रहा है और मर जाते हैं बेचारे, इसलिए पावर कंपनीज को कहा गया कि आप अंडरग्राउंड सिस्टम लेकर आओ। उसके लिए 3 लेवल कमेटीज का निर्माण भी किया गया है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में देखते हैं, इसको कहा जाता है सन चिरैया। चिरैया गाना सुना होगा, सुन उड़ती चिरैया, कुछ ऐसा सा गाना भी है। तो चिरैया इज़ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, मध्य प्रदेश का है, गुडावन राजस्थान एंड मढ़ोक महाराष्ट्र में इसको बोला जाता है। ये ऑस्ट्रिच की तरह दिखता है, ये फ्लाई कर सकता है। एंड कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है और कौन सी वैरायटी है इसके? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेसर फ्लोरिकन एंड बंगाल फ्लोरिकन। हैबिटेट सेमी एरिड एंड एरिड रीजन में पाया जाता है, इन स्मॉल स्क्रब्स, टॉल ग्रास विद कल्टीवेशन। यहाँ पर ये इरिगेटेड एरियाज बेसिकली उसको अवॉइड करते हैं, एंड ये राजस्थान में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। राजस्थान का नेशनल बर्ड भी है। इंपॉर्टेंट साइट्स कहाँ पर मिलते हैं? डेजर्ट नेशनल पार्क, नालिया गुजरात, वरोरा महाराष्ट्र एंड बेलरी कर्नाटका।
अब थ्रेट्स कौन कौन से हैं? ऑब्वियसली हंटिंग, हैबिटेट इरोजन, ग्रीनिंग प्रोजेक्ट्स दैट ट्रांसफॉर्म एंड एरिड ग्रास लैंड इंटू वुडेड एरियाज, प्रेडेटरी प्रेइंग इंटू एग्स. अगर आप उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर रहे हो, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ हैबिटेट लॉस. दीज आर द स्टेप्स टेकन जहाँ पर काफ़ी सारे रिकवरी प्रोग्राम चलाए गए हैं. नेक्स्ट इज अबाउट इंडिया 33rd एलिफेंट रिजर्व. तो टेराइट एलिफेंट रिजर्व जो आया है आपका यूपी में, ये भी यूपी का ही है एंड इट इज़ स्प्रेड ओवर 3000 स्क्वायर किलोमीटर इन दुधवा पीलीभीत रीजन. एलिफेंट का प्रोटेक्शन स्टेटस इंडेंजर्ड है, अपेंडिक्स वन में आता है, शेड्यूल वन एंड फोर्थ हो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. यूपी में देखते हैं और कौन कौन से आते हैं. दुधवा टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व एंड किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कटारनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यानी यहाँ पर फोर स्पीशीज आते हैं, टाइगर, एशियन एलिफेंट, स्वैम डियर एंड वन होर्न राइनोज भी यहाँ पर आते हैं. टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखते हैं. ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर कवर किया गया है. रिसेंटली अभी जो हमारे दो टाइगर रिजर्व हैं, वन अदर वन इज़ लेमरू एंड अगस्त्यमला तमिलनाडु, इनको भी नोटिफाई किया गया है एज एलिफेंट रिजर्व. आपको ध्यान रखना है कि लेमरू छत्तीसगढ़ में है, अगस्त्यमला तमिलनाडु में है. तमिलनाडु एंड असम का में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है एलिफेंट रिजर्व की, 5 है, फॉलोड बाय केरला एंड ओडिशा. मैसूर कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व. इंडियन एलिफेंट के बारे में देखते हैं. लार्जेस्ट एलिफेंट, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होते हैं एंड फी दे हैव द एबिलिटी टू फील फीलिंग्स ऑल्सो फ्रॉम हर्ड ऑफ रिलेटेड फीमेल्स लेड बाय द ओल्डेस्ट फीमेल द मेट्रियार. तो यहाँ पर भी मेट्रियार की हमें देखने को मिल रही है, जैसे कि हमें चीता के केस में देखने को मिली थी. सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट इसका ड्यूरेशन होता है, लॉन्गेस्ट जेस्टेशन पीरियड, दैट इज 18 to 22 months. सिमिलरली रिगार्डिंग टू यूपीएससी, क्योंकि यूपीएससी का भी जेस्टेशन पीरियड 18 to 22 महीने का होता है, जहाँ पर आपको पढ़ने समझने में इतना वक्त लगता है यूपीएससी को अगर आप फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं. अडल्ट मेल एशियन एलिफेंट्स भी लेस सोशल हैं फीमेल से एंड जो ये एंटर मस्ट है, मेट सर्चिंग स्ट्रैटेजी फॉर ओल्ड मेल्स एनुअली. एंड देन हैबिटेट इसका देखते हैं. हैबिटेट इज़ फाउंड इन सेंट्रल एंड सदर्न वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया एंड कुछ पेनिनसुलर इंडिया के पार्ट में भी. अगर हम दो जस्तारा की काउंटिंग की बात करें तो इंडिया के पास अराउंड 30,000 के अराउंड एलिफेंट्स हैं. सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, उसके बाद असम एंड केरला में. थ्रेट सेम ही है, वही एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है, हैबिटेट लॉस, पोचिंग. एंड इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था 1992 में, एलिफेंट रिजर्व को डेवलप किया है एंड एक प्रोग्राम भी आया था माइक, ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है. ये बेसिकली जो एलिफेंट्स की इलीगल किलिंग होती है उसको मॉनिटर करने के लिए एक तरह से इंटरनेशनल एफर्ट है एशिया एंड अफ्रीका में. इन्वेसिव स्पीसीज के बारे में देखते हैं. जो काजीरंगा नेशनल पार्क है एंड टाइगर रिजर्व है, वहाँ पर इन्वेसिव स्पीसीज का खतरा बढ़ता जा रहा है. ये काजीरंगा कहाँ पर आता है आपका, ये लाई करता है ब्रह्मपुत्र रिवर पर, कार्बिलोंग हिल्स में, ऑन द साउथ ऑफ काजीरंगा. ये बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क आपका आता है असम में. इसकी लोकेशन देख लेते हैं. ईस्टर्न हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में आता है, गोलाघाट एंड नागौर डिस्ट्रिक्ट में. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, टाइगर रिजर्व भी है एंड वाइन होर्न राइनो की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहाँ पर पाई जाती है. कौन कौन से रिवर्स हैं यहाँ पर? ब्रह्मपुत्र, दीपू, मोरा दीपू एंड मोरा धनसरी. फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल मोस्ट एंड ब्रॉडली फॉरेस्ट फोना. यहाँ पर और कौन से एलिफेंट्स या एनिमल्स देखने को मिलते हैं? ग्रेट इंडियन राइनोसोर, टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट एंड कुंभी, इंडियन गूसबेरी, कॉटन ट्री, एलिफेंट ट्री एक्सेट्रा. बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क में हमें 18 तरीके के ऐसे इन्वेजिव प्लांट है जो कि नेटिव प्लांट्स की पॉपुलेशन को खतरे में डाल रहा है और उनकी पॉपुलेशन को विलुप्त कर रहा है, क्योंकि जो हर्बीवोर्स होते हैं वो इन्वेजिव प्लांट का खाते नहीं है, उनको फीड नहीं करते. तो इस वजह से हमारे इंडिजीनियस फ्लोरा को ये इफेक्ट कर रहा है. कौन कौन से इन्वेसिव स्पीशीज़ हैं ये नाम दिए गए हैं यहाँ पर. एंड कुछ जो आइडेंटिफाई स्पीशीज़ है वो हर्बल प्रॉपर्टीज़ के भी होते हैं, बट उनका जो टॉक्सिक लेवल होता है उसमें इतनी सारी टॉक्सिसिटी होती है कि वो उनकी यूटिलिटी को आउटवे कर रहा है. परमिशन हैज़ बीन सोट अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1992. क्या आप यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंटल कलिंग कीजिए, कटिंग कीजिए, स्लैशिंग कीजिए, उखाड़िए, गिराइए, ग्राइंड करिए, जो करना करिए, बट उनको यहाँ से भगाइए. तो इन्वेसिव स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं. ये ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जो कॉज करते हैं इकोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल हार्म इन न्यू इन्वायरमेंट वेयर इट इज़ नॉट नेटिव. अगर हम इंडिया में बात करें तो पार्थेनियम एक तरह से वीट है जो कि यूएस से आया था एंड लेंटना ये भी ब्रिटिशर्स का ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं. ये हमारे इंडिया की 40% टाइगर रिजर्व पॉपुलेशन को इफेक्ट करते हैं. दूसरे इन्वेसिव स्पीशीज़ देखते हैं न्यूज़ में. दैट वन इज़ विलायती कीकर. ये भी डेली का डेली इम्प्लीमेंट कर रहा है सेंट्रल एज इन्वॉल्विंग रिप्लेसिंग विलायती किकर विद इंडिजीनियस स्पीशीज. विलायती मीन्स बाहर से आया हुआ, जो विलायती बाबू होता है दैट मीन्स जो बंदा बाहर से आया, एनआरआई काइंड ऑफ अ प्लांट इट इज़. तो
तो ये अमेरिका में पाया जाता है एंड ब्रिटिशर्स इसको लेकर आए थे ताकि फूल और वुड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसकी बट वीड लाइट प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एरिड कंडीशन में ग्रो करती है, किलिंग एनी कॉम्पिटिशन ऑफ वाटर टेबल डिप्लेशन। अमेरिकन बुलफ्रॉग एंड ब्राउन ट्री स्नेक एक स्टडी में पाया गया है, ये जो स्पीशीज होते हैं ये कोस्ट कर रहे हैं वर्ल्ड को अराउंड $16 बिलियन एंड यहाँ पर क्रॉप डैमेज कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज सेना सेलेब्रिटीज, ये भी इनविजिव स्पीशीज है दैट इज हार्मिंग। ब्राउट येलो फ्लावर्स होते हैं, ऑर्नामेंटल स्पीशीज होती है एंड ये लोकल बायोडाइवर्सिटी को हार्म करता है, उनके फूड अवेलेबिलिटी को भी कम करता है हमारे फौना के लिए। रेड ईयर्ड साइडर टर्टल, ये भी हमारी इंडियन बायोडाइवर्सिटी को खतरा है एंड फ्रेश वाटर टर्टल के लिए ये थ्रेट बन चुका है क्योंकि उनको ये हटा रहा है एंड फॉर फूड नेस्टिंग एंड बास्किंग साइट को ये कब्जा कर रहा है। तो हमारे जो अपने बेचारे घर के टर्टल्स हैं वो उनको दूसरी जगह जाना पड़ रहा है जिसकी वजह से उनका हैबिटेट इज़ इन डेंजर। ये USA मेक्सिको में पाए जाते हैं एंड ये लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट इको सेंसिटिव जोन, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है जितने भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कंट्री में उनका एक मिनिमम इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ से उनकी बाउंड्री को डीमार्केट किया गया है। जजमेंट के बारे में देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है जो TN गोवर्धन तिरुमलफर्ड वर्जन वर्सेस वेड यूनियन ऑफ इंडियन केस है उसके अंदर इसका रेफरेंस दिया गया था, सभी स्टेट्स एंड यूटीज में एप्लीकेबल होगा जहाँ पर इको सेंसिटिव जोन प्रिस्क्राइब नहीं है। एक्सटेंडेड बाउंड्री लाई जाएगी, यहाँ पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर अलाउ नहीं किया जाएगा, माइनिंग भी अलाउ नहीं की जाएगी एंड जो एक्टिविटीज़ ऑलरेडी टेकन है उनको बट दैट लाई आउटसाइड द एम्बिगिटी ऑफ प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ में कंटिन्यू विद परमिशन, जो पहले से काम कर रही हैं दे कैन कंटिन्यू बट उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट ऑफ ईच फॉरेस्ट विल बी प्रोवाइडिंग अ लिस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड ये रिपोर्ट 3 महीने के अंदर इनको देना पड़ेगा एंड ओवरवेलमिंग पब्लिक इंटरेस्ट डायल्यूट हो जाएगा जिसकी अकॉर्डिंगली रिक्वायरमेंट रहेंगी। तो ऑल्सो इन फॉर विच द प्रपोजल ऑफ स्टेट UT हैज़ नॉट बिन गिवन, जिसके लिए परमिशन नहीं दिया गया है, तो 10 किलोमीटर्स का बफर जोन बनाया जाएगा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। अब देखते हैं इको सेंसिटिव जोन होते क्या है, ये बेसिकली फ्रगाइल एरियाज होते हैं प्रोटेक्टिव एरियाज के अराउंड एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंडर इसको बताया गया है क्योंकि इनको हमें बेसिकली प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड अनरेगुलेटेड डेवलपमेंट, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पर ना हो सके, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको नोटिफाई करता है। एंड इको सेंसिटिव जोन एक्ट एज अ शॉक अब्जॉर्वर फॉर द प्रोटेक्टेड एरियाज एंड ऑल्सो ये ट्रांजिशन जोन भी की तरह भी एक्ट करता है जहाँ पर हाई प्रोटेक्शन दी जाती है कुछ स्पीशीज़ को, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम द लोअर स्पीशीज, एक तरह से जोन ऑफ डिमार्केशन भी बोलते हैं। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज को रेगुलेट किया जाता है लेकिन पूरी तरह बैन नहीं किया जाता। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर का और बफर बनाने की कोशिश की गई है, इसके अंदर सेंसिटिव कॉरिडोर कनेक्टिविटी एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट पैचेस बनाए गए हैं जो कि क्रूशल है फॉर लैंडस्केप लिंकेजेस इवन बियॉन्ड 10 किलोमीटर्स विथ डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसका एंड एक्सटेंट ऑफ रेगुलेशन मे नॉट बी यूनिफॉर्म क्योंकि हर एक एरिया का यूनिफॉर्म नहीं हो सकता, कुछ एरियाज़ का वेरी करता है। यहाँ पर प्रोसीजर देखते हैं क्या डिक्लेरेशन होता है, पहले हमें देखना होता है कि कौन सा एरिया जो प्रोहिबिटेड है जहाँ पर माइनिंग हो रही है, यहाँ पर मिल्स हो रहे हैं, कैसे वो इफेक्ट कर रहा है हमारे इकोलॉजिकल, जैसे कि हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है इट इज़ इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन घोषित उसका किया हुआ है, वहाँ पर आप कोई भी माइनिंग लीगल एक्टिविटी नहीं कर सकते। उसके बाद आता है रेगुलेट आप करोगे जहाँ पर डीफॉरेस्टेशन होता है, पेड़ काट रहे हैं, होटल रिजर्व्स रिजॉर्ट्स ये सब बना रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है या एग्जॉटिक स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन हो रहा है, उन चीज़ों को आप रेगुलेट करोगे। उसके बाद परमिशन आप किस चीज़ के लिए है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने का स्ट्रक्चर बना सकते हो या फिर हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी वाली एक्टिविटीज़ को आप अलाउ करते हो। और जो नोटिफिकेशन होती है वो फाइनल प्रपोजल मिनिस्ट्री ही देखती है ऑफ इन्वायरमेंट एंड इसके बाद एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है जो कि मास्टर प्लान बनाता है। उसके बाद जो कमेटी है उसके अंदर कौन कौन आता है, जो वाइल्ड लाइफ वार्डन होती है, एक इकोलॉजिस्ट होती है एंड ऑफिशियल्स होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के। क्रिएशन ऑफ इन्वेंट्री यहाँ पर बनाई जाती है अराउंड ईच प्रोटेक्टेड एरिया एज वेल एज इंपॉर्टेंट कॉरिडर्स इज मेड विद द हेल्प ऑफ रेंज ऑफिसर्स। सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस प्ली अगेंस्ट गदगिल कस्तूरी रंगन रिपोर्ट्स, ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स के कंटेक्स्ट में रिपोर्ट्स आई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपोर्ट्स किसके कंटेक्स्ट में आई थी। इन्होंने बताया था कि क्या कैसे हमें सेंसिटिव जोन में काम होना चाहिए एंड कैसे हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना है वेस्टर्न घाट्स में। तो यहाँ पर राइट टू लाइफ के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पर बताया जा रहा है कि जो वेस्टर्न घाट्स के ऊपर डिपेंडेंट सिटीजन्स है केरला एरिया के, उनका राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है क्योंकि लाइवलीहुड भी वेस्टर्न घाट्स के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो गडगिल पैनल 2011 में रिकमेंड किया था कि 64% वेस्टर्न घाट्स को आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन को घोषित कर दो, लेकिन वहाँ पर ऑपोजिशन हुआ था क्योंकि वहाँ के लोग तो डिपेंडेंट है लाइवलीहुड के लिए, तो आप उस रीजन को कैसे आप इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया घोषित कर सकते हो, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म आया था। जो कस्तूरीरंगन कमेटी आई थी 2013 में, इसने भी 37% बोला था कि डिक्लेयर कर दो एरिया को, एंड इसने थोड़ा सा सिस्टम ऑफ ग्रेडेशन को रिमूव कर था जो गडगिल कमीशन ने दिया था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने तीन तरह के कैटेगराइजेशन बताई थी, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन, अकॉर्डिंग कि कौन सा ज़्यादा पोल्यूशन कर रहा है, कौन सा ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है हमारे एरिया को। यहाँ पर बैन करने की बात की थी आउटराइटली माइनिंग को, अक्वायरिंग एक्टिविटीज़ को जो कि इंडस्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट से हो रही है। एंड इन द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ दीज टू रिपोर्ट, जो केरला गवर्नमेंट है उन्होंने प्रपोज़ किया कि एक ओमन वेज ओमन रिपोर्ट, जहाँ पर प्लांटेशंस एंड जो इनहेबिटेड एरियाज है वेस्टर्न घाट्स की, उनको बाहर रखा जाएगा इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरियाज। नेक्स्ट इज अबाउट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। तमिलनाडु ने इशू किया है जो प्रतिपत्ति मीनाक्षीपुरम विलेजेस है मदुरा डिस्ट्रिक्ट में, पहली हमारी बनेगी फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। से बेसिकली होती क्या है, ये एक ऐसा एरिया होता है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रेगाइल होता है, बहुत ज़्यादा वनरेबल होता है, एंड कोस्टल एंड इनलैंड मेरेन वाटर्स पर ये स्प्रेड होता है। ये स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के कंसल्टेशन में डिक्लेयर कर सकती है बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी एक्ट के अंदर इसको लाया जाता है, एंड जो ये रिजर्व्स बनाए जाते हैं, जो ये बायोडाइवर्सिटी हमने जो ये बनाया है साइट्स, मे नॉट पुट एनी रिस्ट्रिक्शन, ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं बनाती लोकल कम्युनिटीज़ के ऊपर, क्योंकि वो वॉलंटरली डिसाइडेड होते हैं उन्हीं के द्वारा। स्टेट गवर्नमेंट्स भी इम्पावर करते हैं ऐसी स्कीम्स बनाए ताकि कंपनसेट किया जाए या रिहेबिलिटेट किया जाए ऐसे पर्सन को जो कि इफेक्ट हो रहे हैं इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन के द्वारा। अर्थपति बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के बारे में देखते हैं, यहाँ पर अनाकोंडन टैंक है जिसको पांडियन किंग्स ने बनाया था 16th century में। मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स भी हैं जो कि रोकर टेंपल्स हैं, तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस हैं, जैन बर्ड्स यहाँ पर दिखाए गए हैं, काफ़ी सारे स्पीशीज़ भी यहाँ पर पाए जाते हैं जैसे कि लगार फॉल्कन, श्राइन फॉल्कन एंड बोनी ईगल, एंड दूसरे फ्लोरा एंड फोना है पेंगोलियन, स्लेंडर लॉरिस एंड पाइथन्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बायोडाइवर्सिटी साइट्स के, कि वहाँ पर रिचनेस होनी चाहिए वाइल्ड लाइफ की, डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज़ होने चाहिए, हाईली एंडेमिज्म मतलब कि वो पर्टिकुलर स्पीशीज़ उसी एरिया में रिस्ट्रिक्ट होना चाहिए, वहाँ पर थ्रेटन स्पीशीज़ भी होने चाहिए एंड कीस्टोन स्पीशीज़ भी होने चाहिए, दैट आर द मेजर इंपॉर्टेंट स्पीशीज़। यहाँ पर एवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी दिखानी चाहिए विद एंसेस्टर्स और डोमेस्टिक कल्टिवेटेड स्पीशीज़ ऑफ देयर वेराइटीज़, एंड पास्ट प्रीमिनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉम्पोनेंट्स भी रिप्रेजेंट होना चाहिए बाई फॉसिल बेड्स, एंड हैविंग सिग्निफिकेंट कल्चरल एथिकल एंड एस्थेटिक वैल्यूज़, इंपॉर्टेंस भी होना चाहिए जो कि कल्चरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करें, इंडिया की हिस्ट्री को भी रिच वास्ट कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट्स। स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स को बनाया गया है थ्रू रेलिवेंट कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस, एंड यहाँ पर 35 हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि मजली आइलैंड भी है इसको भी इंक्लूड किया गया है, यूनाकोटई, शिलचरी केव्स, अमरकंटक, इनको भी इंक्लूड किया गया है, नलूर, तमरेड ग्रोव इन बेंगलुरु कर्नाटका 2007 में इसको जो हमारा पहला था उसको बनाया गया था बायोलॉजिकल हेरिटेज साइट। प्रोटेक्टेड एरियाज़ देखते हैं, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कम्युनिटी रिजर्व, कंजर्वेशन रिजर्व, टाइगर रिजर्व, क्रिटिकल हैबिटेट रिजर्व, इन सब के बारे में एक बार देख लेते हैं। नेशनल पार्क्स, ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आता है, बहुत सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट इसको मेंटेन करता है, एंड यहाँ पर प्रोटेक्शन दी जाती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को, यहाँ पर कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ ही नहीं है विद नॉट इवन रिस्ट्रिक्शन, या फिर अगर है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी चीफ लाइफ वार्डन से। यहाँ पर 100 नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में, वो जो 1.23 ऑफ जोग्राफिकल एरिया कवर कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आती है, एंड स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर डिजिग्नेट करती है कोई भी पर्टिकुलर एरिया को एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड नेशनल पार्क में दोनों ही करते हैं। एंड क्राइटेरिया है कि कोई भी एरिया जहाँ पर रिजर्व फॉरेस्ट है या टेरिटोरियल वाटर्स है, एंड वहाँ पर इकोलॉजिकल फोरा फ्लोरा जो मॉर्फिकल नेचुरल एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के हैं, उस एरिया को आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ अलाउ होती हैं। एंड इंडिया में 550 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, एंड सबसे ज़्यादा हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। कम्युनिटी रिजर्व भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही आता है, एंड इसको स्टेट गवर्नमेंट्स इन द कंसल्टेशन विद सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटीज़ के बाद इसको डिक्लेयर किया जाता है। बेसिकली बफर जोन की तरह एक्ट करती हैं, जहाँ पर माइग्रेटरी कॉरिडोर्स बनाने की बात करती हैं बिटवीन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, एंड पार्ट्स ऑफ द लैंड
आर प्राइवेटली ओन्ड, इसका कुछ एरिया प्राइवेटली ओन्ड होता है एंड यहाँ पर किस पर्टिकुलर एरिया को हम कम्युनिटी रिजर्व या कंजर्वेटरी रिजर्व डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो इनहैबिटेटेड है कम्प्लीटली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बट वहाँ पर जो कम्युनिटीज़ है वो सब्सिस्टेंस अपने लाइवलीहुड के लिए यूज़ कर रही हैं। टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं, ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है एंड यहाँ पर भी कोर और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट होते हैं जो कि मैनेज किए जाते हैं इन एन इनवायोलेट एरिया। बफर जोन और पेरिफेरल एरियाज़ भी होते हैं जो कि कोर एरिया के बाहर होते हैं जहाँ पर लेसर प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन कोर एरिया में सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया जाता है एंड इंडिया में 53 टाइगर रिजर्व्स हैं। क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ये भी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट देते हैं, कोर एरियाज़ के लिए जाना जाता है एंड बेसिकली यहाँ पर बताया जाता है कि आप कोई भी काम यहाँ पर नहीं कर सकते विदाउट अफेक्टिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट डेवलपर्स। लार्जेस्ट सबसे ज़्यादा है दैट इज़ नागार्जुना सीरीसेलम टाइगर रिजर्व एंड ये कहाँ पर है मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मेरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ ये स्पेस है ओशन में जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा रेगुलेटेड की जाती है देन द सराउंडिंग वाटर्स एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है टू नेचुरल और हिस्टोरिक मैराइन रिसोर्सेज बाय स्टेट लोकल टेरिस्ट्रियल नेटिव और नेशनल अथॉरिटीज़ के। बायोस्फीयर रिजर्व ये भी इंटरनेशनल डिजाइग्नेशन है बाय यूनेस्को जहाँ पर टेरिस्ट्रियल मैराइन कोस्टल इकोसिस्टम्स आते हैं, इसमें भी 3 एरियाज में डिवाइड होता है कोर बफर एंड ट्रांजिशन जोन, इंडिया में 18 हैं बेस्ड ऑन यूनेस्को मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। बर्ड सेंचुरी ये भी बर्ड्स के लिए कंजर्वेशन हैबिटेट्स हैं, इंडिया में 70 बर्ड सेंचुरीज हैं इंपॉर्टेंट बर्ड एरियाज, इसको भी इंटरनेशनल बर्ड एरिया प्रोग्राम ऑफ वाइल्ड लाइफ इंटरनेशनल इसको बनाता है क्योंकि उसी का ये प्रोग्राम है। कंजर्वेशन की बात किया जाता है कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पर ये डिज़ाइन किया गया है, दैट इज़ सिग्निफिकेंट नंबर होने चाहिए एंड वो थ्रेटेंड होने चाहिए, रिस्ट्रिक्टेड रेन स्पीशीज होने चाहिए एंड हैव एक्सेप्शनली लार्ज नंबर ऑफ माइग्रेटरी ऑफ कॉन्ग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड होने चाहिए। बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी एंड बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने 554 जो हमारे इंटरनेशनल बर्ड एरियाज हैं इंडिया में वो डिजिग्नेट किए हैं। नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स ये हैं बेसिकली यूनेस्को इसको करता है एंड इंडिया में 7 है, कौन कौन से, ग्रेट इंडियन हिमालय नेशनल पार्क कंजर्वेटरी एरिया, काजीरंगा, क्योलाडो, मनस, नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, सुंदरबंस एंड वेस्टर्न घाट्स। अब प्रोटेक्टेड एरियाज न्यूज़ में देख लेते हैं थ्रू मैप, मैप के थ्रू देखते हैं। पर इन अदर इंडिया में देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर में वी हैव काराकोरम रेंज, शुभ्रा, शयोक लद्दाख में, देन ये भी लद्दाख में है चंगथंग कोल डेजर्ट वाइल्ड लाइफ, देन ये उत्तराखंड में है शिवालिक एलिफेंट टाइगर रिजर्व, बिहार में है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, देन ये आपका राजस्थान में है ताल छप्पर ब्लैक बक सेंचुरी, सरिस्का टाइगर रिजर्व ये भी राजस्थान में, रणथंबोर डेजर्ट नेशनल पार्क ये भी राजस्थान में है। और हमारे अगर ईस्टर्न इंडिया की बात करें त्रिपुरा में सिर्फ एक है दैट इज सफा अली जला, देन ओडिशा में है भितरकनिका, राजस्थान में एक और आता है राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी में ये तीनों में आता है दैट इज नेशनल चंबा सेंचुरी, मध्य प्रदेश में आता है माधव नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश माधव ये आपको याद रहेगा, महाराष्ट्र में है संजय गांधी नेशनल पार्क, मध्य प्रदेश में एक और है दुर्गावती, देन कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मधुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी तमिलनाडु में है एंड केरला में है वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब एक एक के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस्टेब्लिश किया था एज अ टाइगर रेस्क्यू सेंटर एंड इसका इंपॉर्टेंट एक्सट्रीम जो लोकेशन वाइज देख लेते हैं तो ये बॉर्डर करता है नेपाल को इन द वेस्टर्न चंपारण डिस्ट्रिक्ट, कंटिजियस विद नेपाल चितवन नेशनल पार्क, शेयरिंग अ फॉरेस्ट लैंड बाउंड्री विद सोहागीबड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन यूपी। ये इकलौता टाइप प्रोटेक्टेड रिजर्व है जहाँ पर गोरीज भी फाउंड की जाते हैं शिवालिक एंड गैंगटिक प्लेन लैंडस्केप। 14 नेशनल टाइगर रिजर्व हैं विच रिसीव्ड एक्रेडिटेशन ऑफ ग्लोबल अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स दैट इज CATS, ये टाइगर्स के लिए है ये ध्यान रखना है, इट इज़ कंजर्वेटरी अप्रूव्ड स्टेटस। रिवर गंदक आती है वेस्टर्न बाउंड्री पे एंड ये तराई भब्बर वेजिटेशन पर डिपेंड करते हैं। फ्लोरा एंड फौना यहाँ पर दिया गया है। केरला में देखते हैं वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मनी स्पाइडर एंड मिमिकिंग स्पाइडर होता है जो कि रिपोर्ट किया था पहली बार फ्रॉम मुथंगा रेंज। दीज आर द लोकेशन, यहाँ पर नगरहोल बंदीपुर रिजर्व भी है, मधुमला टाइगर रिजर्व भी है एंड कवर वायनाड प्लेटू जो कि 3 बायोलॉजिकल डिस्ट्रिक्ट में कवर है, मेजर वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन नीलगिरी हिल्स एंड डेक्कन प्लेटू एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी कंपोनेंट है। ट्राइबल कम्युनिटीज बेस एरिया में है कौन कौन सी, कुरुमुरा, रनिया, कटुनायका, उरैली, कुरिचर एंड अधियार। UPSC कई बार पूछ लेती है कि ये ट्राइबल कम्युनिटीज कौन से स्टेट में हैं। सेंचुरी भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मथुंगा जो ईस्ट में है देन टोलपेटी नॉर्थ साइड पे है एंड कावेरी रिवर जो कि
कवेरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है वो भी इससे पास होती है, फॉरेस्ट यहाँ पर दिया है, फ्लोरा एंड फ्लोरा भी गिवन है। लद्दाख की बात करते हैं, चंगथंग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ रिसर्च, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी अनाउंस किया था कि पहला हमारा जो इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व एट हैनले वो यहीं पर बनाया गया है, इसी रिजर्व में बनाया गया है। एंड ये लेह डिस्ट्रिक्ट में आता है, सिचुएटेड बिटवीन लद्दाख एंड तिब्बत चाइना बॉर्डर। हस खोजक विलेज कंसिडर टू बी द वर्ल्ड हाइएस्ट विलेज, यहाँ पर हस खोजक विलेज भी लद्दाख में ही है। हाई ऑल्टीट्यूड वाटर लेक है, दैट इज सोमेरी, एंड ये रामसर वेटलैंड साइट भी है, सोमेरी एंड सोकर। इंदस रिवर यहाँ से जाती है, एंड स्नो लीपर, तिब्बतन वोल, वाइल्ड यॉर्क, भरल, ब्राउन बियर, काइंग और वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड एस, डार्क नेक्ड क्रेन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में देखते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया है प्रॉपर मैपिंग एंड बाउंड्री आइडेंटिफिकेशन अलॉन्ग द इंडियन चाइना बॉर्डर, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा कंसर्न है, इसलिए इसका एरिया का मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। WWI इसमें करती है ताकि हम हाई कंजर्वेटरी वैल्यू इसको अटेन कर सके, स्टेटस दे सके, ताकि हम अपना बॉर्डर रेशनलाइज कर सकें और हमारी बाउंड्रीज क्लियरली डिफाइन हो सके। जो काराकोरम सेंचुरी है यहाँ पर कौन कौन है, यहाँ पर बैक्टीरियन कैमल है जिसको आप मंगोलियन केमिकल भी बोलते हैं, जिसके दो हम्स होते हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा कोल्ड भी बियर कर लेते हैं, सुपर कोल्ड बियर एंड इनमें क्वालिटी होती है। लोकेशन यहाँ पर दी है कौन कौन से रेंजेस से बाउंडेड है एंड कौन कौन से नेशनल पार्क इसके नॉर्थ साउथ में आता है, दीज आर नॉर्थ ऑफ हेमिस नेशनल पार्क, ईस्ट में दसोई आता है एंड नॉर्थ वेस्ट में चंथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है। कम्युनिटी जो है दैट इज़ दिस्कित कम्युनिटी यहाँ पर लोकेटेड है। कारगिल भी वेस्ट में आता है करकोलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के विद इन द सुरू रिवर वैली, एंड श्योक रिवर यहाँ से आती है जो कि रिवर इंदस की ट्रिब्यूटरी है। फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं, तिब्बतन एंटीलोप, तिब्बतन गजेल, हिमालयन आइबेक, शाबू, भरल, वाइल्ड या स्नो लीपर यहाँ से गुजरते हैं। नेक्स्ट इज़ अबाउट मध्य प्रदेश, इसमें आता है नेशनल चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर इलीगल माइनिंग को बैन करने की बात किया जाता है एंड साइन माइनिंग भी बैन किया गया है 2006 से। इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ पर गिवन है, रिवर एंड सेंचुरी है एंड यहाँ पर क्रोकोडाइल स्पीशीज़ का दैट वॉज गैविलियस गैंगिटक्स, घड़ियाल जिसको हम बोलते हैं, उसका री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी हुआ था एंड IBA का ये पार्ट है। चंबल रिवर जो कि यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है एंड इट्स ट्रिब्यूटरी पार्वती, यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिवर्स है, कठियार ड्राइड डेसीडियस एंड फॉरेस्ट इकोसिस्टम पाए जाते हैं। फ्लोरा एंड फौना की बात करें, घड़ियाल, गैंगिटोल्फिन, मगर और क्रोकोडाइल, सेवरल रेयर टर्टल स्पीशीज़ यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट है दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये MP का पार्ट है एंड अब ये पन्ना टाइगर रिजर्व का भी पार्ट हो चुका है और इसका जो 1/4 एरिया है वो केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिला था। जियोग्राफिकल लोकेशन यहाँ पर बताई गई है एंड कौन कौन से एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, लिपर्ड, वाइजोस, स्लोथ बियर, बार्किंग बियर, फोर हॉर्न एंटीलोप एक्सेट्रा। माधव नेशनल पार्क के बारे में देखते हैं, ये टाइगर्स आर री इंट्रोड्यूस्ड इन मोर देन 6 decades एंड यहाँ पर पन्ना, बंधवगढ़, सतपुरा नेशनल रिजर्व से भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। मध्य प्रदेश शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं ये एंड यहाँ पर दो लेक्स भी हैं, साख्या सागर एंड माधव सागर एंड मधिकीरा डैम भी सिचुएटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्लोरा फौना गिया बना है, कौन कौन से एनिमल्स बर्ड्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट महाराष्ट्र, संजय गांधी नेशनल पार्क, यहाँ पर एसिटिक लॉयन भी लाए गए हैं संजय गांधी नेशनल पार्क फ्रॉम गुजरात, यही क्वेश्चन UPSC ने पूछा था एंड इसकी जो लोकेशन है दैट इज़ बोरीवली ईस्ट मुंबई, तो प्रीवियसली इसको बोरीवली नेशनल पार्क बोलते थे लेकिन अब इसका नाम संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया है। यहाँ पर कन्हारी केव्स भी हैं जो कि बुद्धिस्ट हिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंड 20% ये मुंबई के ज्योग्राफिकल एरिया में आता है। यहाँ पर दो मैन मेड लेक है, दैट इज़ तुलसी लेक एंड विहार लेक। ट्राइबल एरियाज कौन से हैं, जो ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं, वर्लीस एंड महादियो कोलिस। रिवर जो है दैट इज़ दहीसा, फॉरेस्ट टाइप है, मिक्स एसिडीज एंड दीज़ आर द फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट इज ओडिशा, ओडिशा में आता है भितरकनिका नेशनल पार्क, ये न्यू बॉर्न सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स भी हैं जिसको माना गया, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया 2700 का एक साल में हमें यहाँ पर मिलने को देखने को मिले हैं नेस्टिंग पीरियड में एंड ये केदारपुरा डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। साउथ एंड ऑफ द पार्क इज गरी माता बीच विच इज़ अ लोन मास नेस्टिंग स्पॉट इन द इंडियन ओशन रीजन एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इंडिया हैज़ लार्जेस्ट हेरोनरी, दिस इज़ द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज एंड लाई करता है इश्चुरी में ब्राह्मी, भेतरनी, धर्मा एंड पतासला रिवर, यहाँ पर रिवर था जो कि जाता है। सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इंडिया का, सबसे बड़ा है सुंदरबन, उसके बाद आता है भितरकनिका एंड दीज आर द फ्लोरा एंड फौना दैट आर फाउंड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। राजस्थान की बात करते हैं, यहाँ पे आ रहा है डेजर्ट नेशनल पार्क, ये ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट भी यहाँ पर लाया गया है जो कि FAO फंड कर रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, एक तरह से फाइनेंशियल मैकेनिज्म है
जैसलमेर और बारमर डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है। यहाँ पर इकलौती प्लेस है जहाँ पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, क्योंकि राजस्थान का स्टेट बर्ड है, स्टेट एनिमल है चिंकारा, एंड स्टेट ट्री है खेजरी, स्टेट फ्लावर है रोहिडा, नेचुरली फाउंड होते हैं जो खेजरी ट्रीज है। ये प्रोटेक्ट किया जाता है लोकल कम्युनिटीज़ के द्वारा, जिनको बिश्नोईज बोला जाता है। दीज आर द लैंड फॉर्म्स एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट टाइप। रणथंभौर टाइगर रिजर्व ये आता है, अब ये सरिस्का टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया है। लोकेशन इसके अरावली में दिखाई गई है, विंध्याचल रेंजेस में। नेशनल पार्क था ये, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है जो कि इसके अंदर ही सिचुएटेड है। पदम तालाब, मालिक तालाब, ये सब लेक्स हैं, आपको ध्यान रखना है कि इट इज़ इनक्लोज बाय चंबा रिवर एंड बनस रिवर। नेक्स्ट इज अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व, जो टाइगर रिजर्व ये शिफ्ट किया गया है रणथंभौर से सरिस्का में। अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है, पार्ट ऑफ अरावली रेंज, नीलकंठ टेम्पल, पंडुपल हनुमान टेम्पल, कंगवाड़ी फोर्ट, ये सब इसके पार्ट्स हैं। ताल छप्पड़ ब्लैक बक सेंचुरी, ये भी जो राजस्थान की गवर्नमेंट उन्होंने ऑर्डर किया है, यहाँ पर कंप्लीट प्रोहिबिशन, कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं किया जाएगा। एंड दीज आर द लोकेशन, ताल इज राजस्थान मीन्स प्लेन लैंड, जिसको लैंड प्लेन है उसको आप ताल बोलते हो। थार डेजर्ट में आता है ये, ओनली सेंचुरी इंडिया में विद अ गुड नंबर ऑफ ब्लैक बक्स, क्योंकि ब्लैक बक राजस्थान में मिलता है तो यहीं पर हमें सबसे ज़्यादा ब्लैक बक्स पाए जाते हैं। मोती और पर्ल, अ स्पेशल टाइप ऑफ ग्रास इज फाउंड हेयर, ग्रासलैंड टाइप का है, एंड दीज आर द फ्लोरा एंड फौना। नेक्स्ट इज अबाउट तमिलनाडु, दैट इज कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन्होंने ये स्टेट की 17th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बन चुकी है। एंड जो लोकेशन एरिया है वो यहाँ पर गिवन है, दैट इज धर्मपुरी एंड किशनगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, कावेरी रिवर को कनेक्ट करता है एंड फर्दर कंटिन्यूटी प्रोवाइड करता है नीलगिरी बायोस्फीयर का थ्रू मलाई महादेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिलगिरी रामेश रंगस्वामी टेम्पल, टाइगर रिजर्व कर्नाटका, सत्यानमगलम टाइगर रिजर्व एंड इरोडा डिस्ट्रिक्ट, एलिफेंट हैबिटेट है, दो एलिफेंट कॉरिडोर्स भी हैं यहाँ पर, नंदीमंगलम उलीबंदा कॉरिडोर एंड कोविलपलम अन्य भी दल्लहला कॉरिडोर। सॉरी आई मे बी रॉन्ग इन प्रोनाउंसिएशन, बट यू शुड हैव एन आइडिया कि दो ये मेरे कॉरिडोर्स कहाँ पर सिचुएटेड हैं एंड कावेरी रिवर यहाँ से फ्लो करती है। नेक्स्ट इसके बाद मधुमला टाइगर रिजर्व, कि ये न्यूली कैप्चर्ड टाइगर रिजर्व है जहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया टाइगर रिजर्व, दैट इज प्रदूर मखना को, इन अडेप्टिंग टू अ न्यू हैबिटेट। ये ओल्डेस्ट है एशिया का एंड क्योंकि ये इंडिपेंडेंस से पहले का बनाया गया है। जोग्राफिकल लोकेशन है नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, थ्री जंक्शन पे आता है स्टेट्स का, कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु, शेयर बाउंड्री विद वैनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बंदीपुर टाइगर रिजर्व एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी ये पार्ट है। 14 टाइगर रिजर्व इंडिया में जो कि एक्रेडिटेशन कैट से रिसीव कर चुके हैं एंड मोयर रिवर यहाँ से पास होती है। वी आर जस्ट डिस्कसिंग द इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट आर रेलिवेंट फ्रॉम यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उत्तराखंड में देखते हैं शिवालिक टाइगर रिजर्व, ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि उनका जो डिसीजन था कि इनको डिनोटिफाई कर दे, तो ये रिपील कर दिया गया है कि आप, क्योंकि वहाँ पर बात किया जा रहा था कि एयरपोर्ट बनाया जा रहा था देहरादून में, लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं किया गया प्रपोजल। ये राजाजी नेशनल पार्क के अंदर आता है, कोरबा टाइगर रिजर्व, नंदापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड सोनावड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आया जाता है। एंड माइक, इट इज़ अ माइक साइट इन इंडिया, दैट इज टू मोनिटर एलिफेंट्स। त्रिपुरा की बात करते हैं, सेफन जिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पर दो बेबी लायपोड आए हैं जो कि 12 सालों के बाद जिनका जन्म हुआ है। लोकेशन है त्रिपुरा में, ये आर्टिफिशियल लेक के अंदर आता है, नेशनल बोटानिकल एंड जूलॉजिकल गार्डन भी है, इधर से गार्डन और ये सेंचुरी है। स्पीशीज़ के बारे में देखते हैं, एशियाटिक लोयन, रिसेंटली पार्लियामेंट ने इन्फॉर्म किया है, प्रोजेक्ट लोयन डॉक्यूमेंट लोयन एड्रेट 47 विजन फॉर अमृतकल, ये भी प्रिपेयर किया गया है ताकि लोयन हैबिटेट्स को रिस्टोर किया जा सके। प्रोजेक्ट लोयन के बारे में देखते हैं, एक तरह से लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन ऑफ द एशियाटिक लोयन इन गुजरात बाय कंजर्वेशन इकोलॉजिकल डेवलपमेंट, इसको गिर लैंडस्केप गुजरात में माना जाता है। आपको ध्यान रखना है कि एशियाटिक लोयन गुजरात में ही मिलते हैं, इंडेंजर्ड है, साइट्स के शेड्यूल 1 में आता है वाइल्ड लाइफ में भी, एंड इट इज़ अंडर स्पेशल रिकवरी प्रोग्राम। सेकंड लार्जेस्ट कैट्स है वर्ल्ड में, टाइगर्स के बाद सोशल कैट्स है जो कि ग्रुप्स में रहते हैं, जिनको आप प्राइड्स बोलते हैं। जो मेल लॉयंस होते हैं उनका थिक मेन हेयर होता है अराउंड देयर हेड्स दैन फीमेल लॉयन। एस्टिक लॉयन एंड अफ्रीकन लॉयन आर सब स्पीशीज ऑफ द सेम स्पीशीज, तो यहाँ पर डिफरेंसेस दिया गया है एस्टिक एंड अफ्रीकन लॉयन। एस्टिक वाले बड़े होते हैं, अफ्रीकन वाले स्मॉलर होते हैं। मानने हैं ये डेंस होते हैं, लाइटर मैने होते हैं एंड ये शॉर्टर डार्कर होते हैं। स्किन कलर की बात करें एबसेंट होते हैं स्किन फोल्ड, लेकिन इनमें लॉन्गिट्यूडनल रिब्स होती हैं। प्राइड लार्जर होते हैं एंड अफ्रीकन के स्मॉलर ग्रुप्स होते हैं। थ्रेट भी है क्योंकि थ्रेट्स इनको होता है डिसीजेस से, जेनेटिक इनब्रीडिंग से, डिजास्टर पोटेंशियल पोचिंग का भी डर रहता है एक्सीडेंटल ड्यू टू बी ह्यूमन कॉजेज की वजह से भी होता है।
अगर हम गुजरात में बात करें तो यहाँ पर 5 जगहों पे ही इनकी पॉपुलेशन लिमिटेड है, दैट इज़ गिर नेशनल पार्क, गिर सेंचुरी, पानिया सेंचुरी, मिथिया सेंचुरी एंड गिरनार सेंचुरी, और ये सब गुजरात में ही है। कंजर्वेटरी मेजर्स देखते हैं, जो एसेटिक लो एंड कंजर्वेटरी प्रोजेक्ट्स हैं, ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड फंडेड स्कीम है। नेक्स्ट इज अबाउट स्नो लिपर्ड, जिसको आप चारदूत मिश्रा भी बोलते हैं, वन वाइटली गोल्ड अवार्ड्स फॉर एफर्ट्स टू इन्वॉल्व लोकल कम्युनिटीज, ताकि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। इसका स्टेटस वल्नरेबल है, नैनी साइट्स के उसमें ही सेम कैटेगरी स्टेटस इसको दिया गया है। इसको घोस्ट ऑफ द माउंटेन बोलते जाते हैं, क्योंकि ये कैमोफ्लाज की इनकी टेक्निक बहुत सही होती है, बड़ी जल्दी छुप जाते हैं, हमें पता नहीं चलता कि है क्या नहीं, और एकदम सामने आते हैं तो दैट कैन बी वेरी डेंजरस। पैटर्न होता है इनका, ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, जिसको रोजेटास बोलते हैं, एंड दीज आर वेरी यूनिक फीचर्स, एनी फ्लैगशिप स्पीशीज भी है, लेकिन इनका लॉस हो रहा है, इलीगल ट्रेड हो रहा है। बट दीज स्नो लेपर्ड्स कैन नॉट रोर, जो कि बड़ी कैट्स होती हैं, चीतास वगैरह होते हैं, दे कैन रोर बट दे कैन नॉट रोर। हैबिटेट क्या होता है इनका, माउंटेनियस एरिया ही है, सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में, विद 12 स्नो लिपर्ड रेंजेस। कौन कौन सी कंट्रीज में है, दीज आर बेसिकली एशियन कंट्रीज, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, किर्गिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। चाइना की सबसे, चाइना में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है। इंडिया में कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। कंजर्वेटरी मेजर्स दिए गए हैं, स्टेट एनिमल है हिमाचल प्रदेश एंड लद्दाख का। इंडिया ने भी ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट भी आया है प्रोजेक्ट। सो स्नो लेपर्ड एक तरह से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है कंजर्वेशन के लिए। सिक्योर हिमालयन प्रोजेक्ट भी एक तरह से UNDP और ग्लोबल इक्वायरमेंट फैसिलिटी के तहत ये भी कंजर्वेटरी एफर्ट लेकर आया गया है। तो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट अगर देखा जाए तो ऐसा लगेगा कि आपको हम किसी इकोसिस्टम या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है ये इट इज़ रिलेटेड टू स्नो लेपर्ड। नेक्स्ट इज अबाउट नीलगिरी ताहर, तो तमिलनाडु इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च करेगा फॉर द पीरियड ऑफ 22 से 27 तक, ताकि इसकी पॉपुलेशन को बचा सके। ये अभी इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। ये ओनली माउंटेन यूनग्रेट होते हैं, एनिमल अबव विद हूव्स जिसको हम कहते हैं, सदर्न इंडिया में आ जाते हैं, जिसको लोकली आप वेराइडू बोलते हो। डायरूनल होते हैं, बट ये अर्ली मॉर्निंग एंड आफ्टरनून में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कोल्ड एंड वेट ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट में फेमस होते हैं। हैबिटेट है ये, स्टेट एनिमल है तमिलनाडु का। दीज आर द सेम थिंग्स बिकॉज ऑफ विच दे आर थ्रेटन्ड। वेस्टर्न घाट्स में इंडेमिक है, विद करंट डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन नीलगिरीज इन द नॉर्थ एंड कन्याकुमारी इन द साउथ। एरविकुलम नेशनल पार्क में आता है, रामले हिल्स में, केरला इज द होम द लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ नीलगिरी ताहर। मुकुर्थी नेशनल पार्क ये आया है, एक ऐसा नेशनल पार्क जो कि कीस्टोन स्पीशीज को प्रोटेक्ट करता है ऑफ नीलगिरी ताहर। नेक्स्ट इज अबाउट रेड पैंडास, ये पद्माजू नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है वेस्ट बंगाल में। इन्होंने एक प्रोग्राम किया है जहाँ पर 20 पैंडास को प्रोटेक्ट करने की बात की जा रही है अगले 5 सालों में। इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1, ये शाय होते हैं, अकेले रहते हैं, बोरियल होते हैं, जो कि अपनी लाइफ ट्रीज में ही स्पेंड करते हैं, इकोलॉजिकल चेंज को दिखाते हैं एंड बेसिकली बैम्बू के ऊपर फीड करते हैं, लेकिन इनका एक एक्स्ट्रा थंब होता है फॉर जो कि रिक्वायर होता है फॉर फीडिंग एंड क्लाइंबिंग। इनका 50% जो हैबिटेट है वो ईस्टर्न हिमालयस में पाया जाता है। सिक्किम का स्टेट एनिमल भी है, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय में है, एंड इंडिया में इट इज़ प्रेजेंट इन हिमालय रेड पैंडा एंड चाइनीज रेड पैंडा। ग्रेट वन हॉर्न राइनो, ये भी रीइंट्रोडक्शन किया गया है मनस नेशनल पार्क में, एंड ये मनस नेशनल पार्क यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, टाइगर रिजर्व है वेस्टर्न असम में। इनका जो स्टेटस है दैट इज़ वल्नरेबल, और एशिया में सबसे ज़्यादा राइनो पॉपुलेशन है, फोर्थ लार्जेस्ट लैंड एनिमल माना जाता है, क्योंकि सबसे एक्सलेंट स्विमर होता है एंड इट कैन रन अप टू अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर फॉर शॉर्ट पीरियड्स। आप ये इसके साइज में मत जाना, ये बहुत तेज भागता है। सोलिटरी एनिमल्स होते हैं, मेक्स अवे द सेम पैच एंड अच्छी इनकी हीरिंग और स्मेल होती है, आई साइट लेकिन देखने में थोड़े कच्चे होते हैं। जेस्टेशन पीरियड 16 महीने का होता है। हंटेड फॉर देयर हॉर्न, ये अपने हॉर्न के लिए इनकी पोचिंग वगैरह की जाती है, लीगल ट्रेड किया जाता है, क्योंकि जो इसका जो राइनो का हॉर्न होता है वो केराटिन से बना होता है। केराटिन ट्रीटमेंट आपने सुना होगा, बालों के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड अपने नेल्स में भी इस्तेमाल होता है, तो उसमें प्रोडक्ट्स में ये यूज़ किया जाता है। इसका हैबिटेट देखते हैं, अरुवेल तेराई द्वार सुवाना ग्रासलैंड है, कॉमनली फाउंड इन नेपाल, भूटान, पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड इट इज़ होम टू ओवर 85% ऑफ द पॉपुलेशन एंड 7 प्रोटेक्टेड एरियाज में फाइंड होता है एंड असम में सबसे ज़्यादा 71% पॉपुलेशन को होस्ट करता है, विद काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे ज़्यादा वहाँ पर है। कौन कौन से कंजर्वेटरी एफर्ट्स है, राइनो विजन लेकर आया गया था, स्पेशल राइनो प्रोटेक्शन फोर्स, नेशनल राइनो कंजर्वेटरी स्ट्रेटजी 2019 में लॉन्च किया था ताकि इसको
कंजर्व कर सकें। शंघाई मणिपुर ब्रो एंटलर डिलर डियर, ये भी मणिपुरी शंघाई फेस्टिवल में वीडियो मैसेज में पीएम ने इसको एड्रेस किया था। इट इज़ नेम्ड आफ्टर शंघाई जो कि ब्रो एंटलर डियर है, ओनली फाउंड इन मणिपुर। इसका भी इंडेंजर स्टेटस है, मीडियम साइड होते हैं, इनको डांसिंग डियर बोला जाता है क्योंकि ये अपने हिंड सर्फ जो इनके एज इट वॉक्स ऑन द हिंड सर्फेस ऑफ इट्स पैटर्न्स विद मिंसिंग हुप्स ओवर फ्लोटिंग फॉलेज नोन एज फुमडी। फुमडी के ऊपर ये जो कि फ्लोटिंग फॉलेज होता है उसके ऊपर ये चलते हैं और ऐसा लगता है कि ये डांस कर रहे हैं। थ्रेट्स का हो रहा है बिकॉज ऑफ हैबिटेट इन्वेसिव स्पीशीज की वजह से ये डिप्लीट होते जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। हैबिटेट क्या है? लोकटेक लेक इन साइड केबुल लैम जो नेशनल पार्क ओवर फ्लोटिंग बायोमस कॉल फुमडी एंड कंजर्वेटरी मेजर स्टेट एनिमल है मणिपुर का। लोकटेक लेक को डिजाइन किया गया एज वेटलैंड ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस एंड रामसर कन्वेंशन। नेक्स्ट इज अबाउट फिशिंग कैट, चिलिका लेक की लार्जेस्ट एशियाज वाटर ब्रैकिश लगून ये सबसे ज़्यादा फिशिंग कैट्स को होम करता है एंड कैरिड आउटसाइड द प्रोडक्शन एरिया नेटवर्क। इसकी पॉपुलेशन एस्टिमेट है वो किया गया है, वल्नरेबल इसका स्टेटस है। डॉक्टर एनिमल है, रात को जागता है एंड अडैप्ट बहुत अच्छा स्विमर भी है एंड इट इज़ ट्वाइस द साइज ऑफ अ हाउस कैट। अगर आप इसको फिशिंग कैट की बात करो, नॉर्मल जो हमारी हाउस कैट होती है उससे डबल साइज का होता है। लेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं इनके फर के एंड दीज आर द रीज़न फॉर देयर थ्रेट्स। कहाँ पर मिलते हैं? इन सुंदरबंस एंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन सिस्टम एंड वेस्टर्न घाट्स। स्टेट एनिमल है वेस्ट बंगाल का एंड इसको एम्बेसडर भी बोला गया है ऑफ चिलिका सिंस 2020। स्लेंडर लोरिस, ये फर्स्ट सेंचुरी है स्लेंडर लोरिस जिसका नाम है कदावर स्लेंडर लोरिस सेंचुरी। तमिलनाडु में लोकेटेड है एंड ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आ रही है। इसका जो कंजर्वेटिव स्टेटस है दैट इज थ्रेटन और अपेंडिक सेकेंड में आ रहा है। ये अबोरियल होते हैं एंड प्रीमेट्स होते हैं, जंप नहीं कर सकते एंड इट इज़ फाउंड इन इंडिया एंड श्रीलंका। बट जो स्लेंडर रेड लोरिस हैं ये सिर्फ श्रीलंका में फाउंड होते हैं, लेकिन जो ग्रे स्लेंडर है वो इंडिया और श्रीलंका में फाउंड होते हैं। इंडियन पेंगोलियन की बात करें, जो कॉप 19 है उन्होंने पार्टीज को अर्ज किया है फॉर रेफरेंसेज टू पेंगोलियंस फ्रॉम फार्मासोपिया एंड ऑफिशियल कलेक्शन ऑफ प्रूफ फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड्स। इंडेंजर्ड कैटेगरी है, लार्जर एंटीरियर है, ये बॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, गोल गोल हो जाता है एंड रोल करता है। इसके कोई टीथ नहीं होते एंड अपना जो खाना है ये टंग के थ्रू करता है एंड इकलौता ऐसा मैमल है जो स्केल्स होते हैं, जैसे आप इसके सरफेस पे देख सकते हो काफ़ी सारे ये स्केल्स बने हुए हैं। हैबिटेट देखते हैं, इंडिया में मिलता है इंडियन पेंगोलियन एंड चाइनीज पेंगोलियन एंड ये सिर्फ एरिड रीजन हाई हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पाया जाता है। नेक्स्ट अबाउट जयपुर ग्राउंड गेको, ये भी अपेंडिक्स सेकंड में आ रहा है, इंडेंजर्ड है, नॉक्टर्नल है एंड पेनिनसुलर इंडियन ईस्टर्न घाट सदर्न ऑस्ट्रेलिया आंध्र प्रदेश में ये फाउंड होता है। अब एवियन स्पीशीज़ की बात करते हैं, अब हम बर्ड्स पर आ रहे हैं। पहला है ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ये आता है आपका नागालैंड में एंड क्योंकि एक बार यहाँ पर वीडियो एक वायरल हुई थी जहाँ पर ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल को टॉर्चर किया जा रहा था एंड इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ नागालैंड एंड ये वल्नरेबल इसका स्टेटस है। हॉर्नबिल फैमिली का सबसे लार्जेस्ट मेंबर है। ग्रेट फीमेल जो हॉर्नबिल्स होता है ये स्मॉलर होती हैं मेल से एंड फिक्स कंप्राइज ऑफ ड्यूड्स। हैबिटेट्स गिवन है, वेट एंड मिक्स फॉरेस्ट में फाउंड होते हैं एंड फाउंड मेनली इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया अलॉन्ग विद वेस्टर्न घाट्स। केरला का ये स्टेट बर्ड है एंड हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम यहाँ पर बनाया गया है जिसको अडॉप्ट किया है ताकि आप इसकी ब्रीडिंग पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सको, विच दैट अकर आउटसाइड पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट इज अबाउट लेसर फ्लोरिकन, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है राजस्थान एंड गुजरात पावर प्रोड्यूसर्स टू इंस्टॉल बर्ड डाइवेटर्स, कि वो बर्ड डाइवेटर्स को इंस्टॉल करें ताकि जो एविएशन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन अब ख़त्म ना हो, खतरे में ना जाए और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन इन पर्टिकुलर वी आर टॉकिंग अबाउट तो इनको हर्ट ना हो। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इसको खारमोर भी बोला जाता है। स्मॉल एंड ग्रेशियस बस्टर्ड होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिया के 3 रेजिडेंट बस्टर्ड में एंड इट इज़ फाउंड इन ग्रासलैंड एंड कभी फील्ड्स ऑफ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। नेक्स्ट इज अबाउट इंडियन स्काइमर, ये आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा जो रिवरिन सिस्टम्स होते हैं उसके ऊपर, ये बेसिकली ज़्यादातर ड्यूरिंग विंटर मिलता है इन कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश। इंडेंजर्ड स्पीशीज है एंड इट इज़ ब्रीड अकॉर्डिंगली इन लार्ज एक्सपोर्ट एंड सैंड बार्स एंड आइलैंड्स एंड इट इज़ फाउंड इन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न इंडिया। चंबल रिवर यहाँ पर इनका मेजर नेस्टिंग साइट है। एक्वेटिक स्पीशीज की बात करें तो वो है गैंगटिक रिवर डॉल्फिन, जो कि न्यूज़ में आई थी जब नमामि गंगे प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, इसका इंडेंजर्ड IUCN स्टेटस है।
ये सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है एंड इज़ ब्लाइंड, ये ध्यान रखना है, एंड स्लिट स्मॉलर टू ब्लो होल ऑन इट्स टॉप ऑफ इट्स हेड, जहाँ से ये नोस्टिल से जो इसका है जो इसका सर होता है वहाँ पर नोस्टिल्स होते हैं वहीं से ये ब्रीथ करती है। इसको पहले सुसु बोलता, सुसु इसका जो नाम है ड्यू टू साउंड इट प्रोड्यूसेस व्हेन ब्रीथिंग, जब हम ब्रीथ करते हैं एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं उसको सुसु बोला गया है। एंड सिंबल ऑफ द इकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ आर मेजर रिवर्स इकोसिस्टम, क्योंकि फ्रेश वाटर में ही होती है तो मतलब जहाँ पर हमें ये मिलेगी तो दैट मीन्स द वाटर इज फ्रेश। गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड इसके ट्रिब्यूटरीज में मिलते हैं एंड ये इंडिया का एक्वेटिक नेशनल एनिमल भी है। ऑलिव रिडली टर्टल, ये हमेशा से ही न्यूज़ में रहते हैं, वनरेबल इनका स्टेटस है। तमिलनाडु अब एक सेंचुरी बनाएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाने की बात कर रहा है इसके लिए चेन्नई में। ये स्मॉलेस्ट होते हैं और सबसे ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इनकी जो मेजरली फेमस होते हैं इनका जो मास नेस्टिंग साइट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं अरीबड़ा, जहाँ पर काफ़ी सारी फीमेल्स आकर एक साथ हैच करती हैं एंड वो एक बारी में 110 से 140 एग्स देती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। जो डाइट है कार्निवोर होती हैं, फीड ऑन जेलीफिश, श्रिम्प, स्नेल्स एंड थ्रेटन भी होती हैं। इनका जो मेजर हैबिटेट है दैट इज़ रशिकुला रिवर इन द गरिमाथा के बाद सेकेंड माना जाता है, सेकेंड बिगेस्ट रूरकी इन इंडिया आफ्टर गरिमाथा, इन दोनों आते हैं ये उड़ीसा में। दिस इज़ रशिकुला रिवर एंड दीज आर द नेस्टिंग साइट्स। रेड क्राउन रूफ टर्टल, ये इंडिया ने एक प्रपोजल बनाया है ताकि इसको प्रोटेक्ट किया जाए। अंडर साइट्स क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ रहा है, फ्रेश वाटर टर्टल स्पीशीज है, डीप फ्लोइंग रिवर्स में ये पाया जाता है इंडिया, नेपाल एंड बांग्लादेश में। नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी इकलौती ऐसी सेंचुरी है विद सब्सटेंशियल पॉपुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्पीशीज। नेक्स्ट वाली सॉफ्ट सेल टर्टल, ये पेंडिंग्स वन में आ रहा है। रेड क्राउन रूफ टर्टल्स एंड ले सॉफ्ट टर्टल्स, ये साइट्स के अंदर गिवन है क्रिटिकल इंडेंजर्ड इनको स्टेटस। लार्जेस्ट ये भी फ्रेश वाटर में आता है एंड 1 मीटर का इनका साइज होता है एंड हाई इन डिमांड होता है ड्यू टू चाइनीज मेडिसिन एंड सूप डेलिकेसी। हमारे पेनिनसुलर इंडिया में पाया जाता है एंड इनहैबिट्स रिवर्स एंड रिजर्वर्स। वेकुआता परपोइस, एक तरह से जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ये डिक्लाइन हो चुकी है बाय 98% इन 20 सालों में, 98% ख़त्म हो चुका है। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का स्मॉलेस्ट सिटेशन एंड इंडेंजर्ड मेरीन एनिमल है। ये गल्फ शैलो वाटर्स में पाया जाता है, नॉन स्पैंड ऑफ द सी, क्योंकि डिस्टिंक्टिव ब्लैक सर्कल्स होते हैं इसकी आंखों के अराउंड, जैसे पैंडा के होते हैं तो इसको पैंड ऑफ द सी बोला जाता है। अब रेप्टाइल्स एम्फीबियंस के बारे में देखते हैं। सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स इन्होंने अब की बार मास नेस्टिंग किया है। कहाँ पर किया है? भितरकनिका में, जो कि उड़ीसा के केंद्रपाड़ा डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। इसका जो IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न है अभी, चलो चिंता की बात नहीं है, बहुत सारी संख्या में अभी पाए जाते हैं। लार्जेस्ट होते हैं एंड लार्जेस्ट रिप्टाइल भी हैं। जो फीमेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स होते हैं वो स्मॉलर होती हैं। इनका जो हैबिटेट है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया में भी मिलते हैं, इंडिया में भी, साउथ ईस्ट एशिया में भी पाए जाते हैं। इंडिया में भितरकनिका, सुंदरबन एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। पर्पल फ्रॉग, केरला अनाउंस करने वाला है इसको एज अ स्टेट फ्रॉग। अभी ये नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में आया हुआ है। 2003 में पहली बार इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में पाया गया था। इसमें परफेक्ट लूज डैम्प एंड वेल एरिनेटेड सॉइल्स होती हैं जो पॉन्ड्स एंड डिचेस के पास होती हैं। अंडरग्राउंड रहता है ज़्यादातर सालों के लिए, लेकिन मॉनसून में ही बाहर निकलता है एंड वेस्टर्न घाट्स में ही पाया जाता है। नेक्स्ट इज अबाउट मोनार्क बटरफ्लाई। IUCN ने इसको ऐड किया गया है अपनी सेटल लिस्ट में एंड इसको इंडेंजर्ड स्टेटस दे दिया गया है। ये लॉन्गेस्ट माइग्रेशन होता है किसी भी स्पीसीज का अकॉर्डिंग टू साइंस। एंड जो एक अडल्ट बटरफ्लाई है वो 4 से 5 हफ्ते तक ही जिंदा रहती है एंड ये नॉर्दर्न, साउदर्न एंड साउथ अमेरिका में फाउंड होती है। ब्लैक ड्यूक, ये एक तरह से नेटिव स्पीशीज है टू सिक्का मैनेस्टर्न हिमालयस एंड एज डर कंटेनर कृष्णा पीकॉक टू बिनाउंस द स्टेट बटरफ्लाई ऑफ सिक्किम। इट्स साइंटिफिक नेम इज बसरोना दुर्गा। इट इज़ फाउंड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 1500 meters, डिस्कवर्ड इन एंड इट इज़ नेटिव टू सिक्किम एंड ईस्टर्न हिमालयस ओनली। प्लांट स्पीशीज की बात करें, रैंड सैंडर्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि अंडर ऑपरेशन रक्त चंदन, UPSC सीधा पूछेगी ऑपरेशन रक्त चंदन इज रिलेटेड टू नॉट ब्लड डोनेशन, इट इज रिलेटेड टू रेड सैंडर्स, दैट इज द नेम ऑफ अ ट्री। ये इंडियन का एक्सपोर्ट किया था बट बैन है वो अंडर फॉरन ट्रेड पॉलिसी इस, क्योंकि ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में आ चुके हैं। इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है मेडिसिनल में, कॉस्मेटिक्स में, फर्नीचर में, वुडक्राफ्ट में एंड ये लोमी सोयल में मिलते हैं। रिजनरेट्स विद अ ड्राई हॉट क्लाइमेट एंड रिक्वायर रेनफॉल बिटवीन 800 मिलीमीटर टू
1000 मिलीमीटर फॉर एक्सीलेंट ग्रोथ। ईस्टर्न वेस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाए जाते हैं। नीला कुरुंजी के बारे में देखते हैं, महाराष्ट्र ने इसको शेड्यूल 3 में डाल दिया गया है ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड फाइन भी बताया गया है जो इसको काटेगा, एंड प्रोटेक्शन स्टेटस शेड्यूल 3 में है। ये 1300 से 2400 मीटर की हाइट पर ग्रो करते हैं। ये सॉयल को बाइंड करते हैं, फर्टिलिटी प्रोवाइड करते हैं, फायर हार्डी होते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं, लेकिन ये ब्लूम बहुत कम करते हैं। इट जस्ट ब्लूम्स वंस एवरी 12 सीजन। हैबिटेट क्या है, वेस्टर्न घाट्स में एंडेमिक होते हैं इन द रेंजेस तमिलनाडु केरला एंड कर्नाटका। हिमालयन मेडिसिन प्लांट स्पीशीज, 3 हिमालयन मेडिसिन प्लांट स्पीशीज को ICNR लिस्ट में डाला गया है। फर्स्ट वन इज मेजियोट्रोपिस पैलेटा, देन द फ्रिटेला, देन डेकी, कुछ टिपिकल से नाम है। ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आ गए हैं, उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है। ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है एक्सीडेंट्स में यूज होने के लिए, एंड सिंथेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स का ये सब्स्टिट्यूट होता है। जो सेकंड वन है ये ब्रोंकाइल डिसऑर्डर्स एंड निमोनिया में काम आता है, इसका जो स्टेटस है वल्नरेबल है। थर्ड वन है इसका इंडेंजर्ड है, इतना UPSC नहीं पूछेगा, सो यू कैन लीव, यू जस्ट नो कि कोई 3 प्लांट्स को इन्होंने इंडेंजर्ड लिस्ट में डाल दिया गया।